प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार क्लास जी हाँ जैसे कि आपको पता है कि हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम की सबसे पहले हमने एक ट्रोमा वाली बीमारी पढ़ी थी जिसको हम ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी बोलते हैं उसके बाद में हमने वहाँ पे ब्लड सप्लाई से संबंधित वेसल्स वाली बीमारी पड़ी थी जिसको सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं तीसरा बीमारी हमने करंट की बीमारी पड़ी थी जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज से संबंधित थी जिसको हम सीजर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं याद रहे हैं, आज हम नर्वस सिस्टम की एक खास और इंपॉर्टेंट बीमारी पढ़ने वाले हैं जो न्यूरो से संबंधित है न्यूरो से संबंधित दो इंपॉर्टेंट बीमारियां होती है नर्वस सिस्टम में हम दोनों ही बीमारियों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या आप बता सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में न्यूरो की कमी वाली कौन सी दो बीमारियाँ होती है सभी लोग अपना अपना कमेंट करें कि नर्वस सिस्टम है न्यूरो की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है जवाब लिखिएगा सभी लोग जवाब लिखे भाई कौन कौन सी बीमारी है न्यूरो की कमी की वजह से होती है बहुत बढ़िया माइस्तेनिया ग्रेविया नहीं होता है माइस्तेनिया ग्रेविस एक बीमारी है बहुत बढ़िया और बताइए पार्किंसंस पार्किंसोनिज्म कहते हैं या पार्किंसंस डिजीज कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो गुड इवनिंग टू ऑल सभी लोगों का स्वागत है शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की और आज हम एक न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी वाली बीमारी पढ़ेंगे जिसका नाम हमने यहां पे मेंशन किया है मायस्थेनिया ग्रेविस या एमजी इसको बोलते हैं याद रहे है, हम यहां पे आपको बता रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर की न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारी है दो बीमारी होती है जो न्यूरो की डेफिशियंसी से होती है एक बीमारी को हम बोलते हैं माएस्थेनिया ग्रेविस माएस्थेनिया ग्रेविस और दूसरी बीमारी हम पढ़ने वाले हैं पार्किंसन डिजीज या पार्किंसोनिज्म अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये माएस्थेनिया ग्रेविस है ये जो माएस्थेनिया ग्रेविस है इसमें

तो एक बीमारी में तो एसिटाइल कोलिन कम होगा और एक बीमारी में डोपामिन की कमी होगी न्यूरो की कमी वाली दो ही बीमारी होती है नर्वस सिस्टम में एस्टाइल कोलिन की कमी हो तो ग्रेविस डोपामिन की कमी हो तो पार्क इंसोनिजम आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है माइस्तेनिया ग्रेविस को आज हम इस पूरे लेक्चर में जिस बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बीमारी कौन सी है माइस्तेनिया ग्रेविस तो अगर आपको कोई ये पूछे कि माइस्तेनिया ग्रेविस जो है वो बीमारी किसकी है तो आपका जवाब होना चाहिए न्यूरो की डेपिशियंसी वाली और कौन सा तो जवाब होना चाहिए कैसे कम होता है क्या तरीका है और किस तरीके से ये प्रोसीड करता है तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में हम इस लेक्चर को आगे कर चलेंगे और सभी करके एक एक चीजों को हम बताने वाले हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है एक मरीज है जो ग्रेविस का है ये मरीज ग्रेविस का है ग्रेविस एक बीमारी है जिसमें कम होता है ये बात मैं बता चुका हूं आपको नर्स जो है वो वो नर्स से पूछ रहा है वाई द डिजीज हैज अकर्ड ये जो बीमारी है ससुरी ये मेरे को क्यों हो गई ये मरीज ने पूछ लिया ठीक है वाट पैथोलॉजी अंडरलाइज द नर्स रिप्लाई आप क्या रिप्लाई करोगे उस मरीज को मरीज ने आपसे पूछ लिया कि मेरे को ग्रेविस तो हो गया ये आपने बता दिया लेकिन ये बताइए कि ये बीमारी मेरे मेरे को हुई? हुई मेरे को क्यों क्यों हुई हुई पहला कह रहा है कि जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें एस्टाइलकोलिन का प्रोडक्शन जो है वो गड़बड़ा जाता है दूसरा है इन एफिशियंट यूज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर एस्टाइलकोलिन का अगला है डिक्रीज नंबर ऑफ फंक्शनिंग एस्टाइलोलिन रिसेप्टर साइट और लास्ट है इनिबिशन ऑफ द द एंजाइम एसिटाइल लिविंग एंड प्लेट फोल्डेड चार ऑप्शन हमने यहां पे लिखे अलग अलग तरह के जवाब है और कुछ लोग तो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कई लोगों ने सी जवाब लिखा है आई होप कि वो शायद कॉपी कर रहे हैं सिर्फ और पेस्ट कर रहे हैं ये ना करें सवाल को पढ़े सवाल को समझे पैथोलॉजी को समझे और फिर अपना जवाब दें तब आपके जवाब के सही होने की संभावनाएं बढ़ेगी और जिन लोगों ने अगरबत्ती लगा के सेशन को शुरू किया है उनके तो संभावनाएं डबल ट्रिपल बन जाती है सही होने की हाँ तो हम बताते हैं यहां पे एस्ट्रेल कोलिन के बारे में तो हमने एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सब होता क्या है कि मान लो ये आपका एक न्यूरो है और ये इसके डेंड्राइड है और ये न्यूरो की एंड प्लेट है अब ये जो न्यूरो की एंड प्लेट है इस प्लेट को हम नाम देते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेप्ट एंड प्लेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉन एज प्री साइनेप्टिक क्लेप्ट इस न्यूरोट्रांसमीटर की एक और ऑपोजिट एंड प्लेट है ये और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की एंड प्लेट है इसको हम यहां पे नाम देंगे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेप्ट क्या नाम देंगे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेप्ट और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेप्ट है इसके आगे एक और आगे न्यूरोन है और वो न्यूरॉन इस तरीके से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से अब होता है क्या है इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो जंक्शन बना है इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद रख लीजिएगा पॉइंट बड़ा रिमेंबरिंग है इस जंक्शन को सर नाम दे देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अब एक छोटा पॉइंट मेरा यहां समझने की कोशिश करिएगा कि ये न्यूरॉन का एंड पॉइंट है और ये एक मसल है जिसका फर्स्ट पॉइंट है ये न्यूरॉन है और ये मसल है दोनों के बीच में जंक्शन है तो आपको याद रखना ये है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ठीक है अब देखिएगा ये जो न्यूरॉन है ये करंट को लेके आया यहां से और ये इम्पल से जो है यहां से प्रोसीड किया यहां किया और यहां तक आया ये जो एंड पार्ट है यहां पे पाई जाती है साइनेप्टिक नोब क्या पाई जाती है साइनेप्टिक नोब इसमें पाई जाती है साइनेप्टिक वैसाइकल साइनेप्टिक नोब है और इस नोब में क्या पाई जाती है वैसाइकल. और इस वैसाइकल में भरे रहते हैं न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर अब जब भी करंट यहां तक आएगा तो इस इंपल्स को यहां से आगे मसल को देने के लिए क्योंकि जब मसल के पास में मोटर का इंपलसेज आएगा तो मसल मूवमेंट करेगी नहीं तो मसल मूव नहीं करेगी तो इस मसल के पास में इस यहां से जो इंपल्स आया इस इंपल्स को मसल को ट्रांसमिट करना पड़ेगा इंपल्स को मसल को ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा काम करेगा न्यूरोल कोलिन तो यहां से एस्टाइल कोलिन जो है वो रिलीज होते हैं ये जो एस्टाइल कोलिन है ये यहां से रिलीज हुए और ये साइनेब से होते हुए एस्टाइल यहां तक पहुंचे अब यहां पे दो चीजें पाई जाती है एक तो एस्टाइल कोलिन की रिसेप्टर साइट एस्टाइल कोलिन की यह है रिसेप्टर साइट इसको हम बोलते हैं साइट, इज कोली हैजिक एस्टाइल कोलिन की रिसेप्टर साइट है अच्छा दूसरा ये यह यहां पे एक और साइट है इस साइट को हम नाम देते हैं कोलीनेस्ट्रेज कोलीस्ट्रेज तो यहां पे दो पॉइंट गए एक तो एस्टेल कोलिन की रिसेप्टर साइट उसको तो बोलते हैं इज द रिसेप्टर साइट ऑफ एस्टल और दूसरा दिख रहा है, ये तो है inhibitor inhibitor. और ये रिसेप्टर साइट है इसको बोलते हैं रिसेप्टर या रिसेप्टर को ही हम बोलते हैं एक्टिवेटर एक्टिवेटर ये दूसरी साइट है अब मेरे पॉइंट को समझिएगा कि जैसे ही यहां से न्यूरो ट्रांसमीटर यहां तक पहुंचा न्यूरोन यहां तक पहुंचा इंपलसेज यहां तक पहुंचा न्यूरोन से तो इस न्यूरो ट्रांसमीटर ने इंपलसेज को इधर भेजा अब एक छोटा कंसेप्ट समझिएगा कि मान लो इस इंपलसेज को यहां से वहां ले जाने में दस एस्टाइल कोलिन रिलीज हुए मैं नंबर में काउंट कराऊ आपको तो मैंने काउंट कराना यहां पर दस एस्टाइल कोलिन यह एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह ये सात ये आठ ये नौ और ये दस दस के दस एस्टेल कोलिन यहां से रिसेप्टर साइट ने इनको रिसीव किया आओ महाराज इधर आओ और इधर आके तुम सारे के सारे यहां आ जाओ। दस के दस यहां पे आ अब यह जो दस मसल तक पहुंचे मसल को मूवमेंट कराना है क्योंकि एक तो मसल, मसल को मूव कराते हैं तो जब दस यहां पर पहुंचे तो इन दस में से मसल के अच्छे कोलिन चाहिए

ताकि मसल में एस्टाइल्कोलिन सही अमाउंट में रहे और जब सही अमाउंट में एस्टाइल कोलिन रहेंगे तो मसल का मूवमेंट सही होगा आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमारी मसल में मूवमेंट हाइपर हो तो भी वो खराब है और अगर मसल में मूवमेंट हाइपो हो तो भी गड़बड़ है सही टोन के साथ में सही मूवमेंट हो तब तक सही है ज्यादा होना भी गलत है और कम होना भी गड़बड़ है हमें सही रखना है मसल का मूवमेंट तो सही अमाउंट में उसके तक एस्टाइल कोलिन को पहुंचाना है

कमी हो जाती है किसकी कोलिन की तो मसल के मूवमेंट नहीं होते हैं इस बीमारी को माइस्तेनिया ग्रेविस कहते हैं माइस्तेनिया वर्ड फॉर मसल और ग्रेविस वर्ड फॉर वीकनेस ऐसा आप समझे इसको गरीब मसल ऐसा कह दो एम फॉर मसल और जी फॉर गरीब तो मसल गरीब हो गई मतलब मसल में मूवमेंट नहीं है कोई भी मसल जिसके मूवमेंट नहीं है वो मसल गरीब है सिंपल सी बात है तो इस मसल के मूवमेंट गायब हो जाते हैं मसल वीक हो जाती है गरीब हो जाती है कमजोर हो जाती है अब मसल वीक क्यों हुई क्योंकि उसके पास में कोलिन नहीं है मसल के पास में एस्टेल कोलिन क्यों नहीं है क्योंकि एस्टाइल कोलिन का रिसीव करने वाले जो ये रिसेप्टर है ससुरे ये रिसेप्टर किसी भी चीज की वजह से इन रिसेप्टर का डैमेज हो जाना हो गया रिसेप्टर जो है वो डेस्ट्रोय हो गए एक कारण है और सबसे बड़ा कारण है ये अगर रिसेप्टर डैमेज हो जाए तो मसल के पास में मेंलीन नहीं होंगे और जिस मसल के पास में मेंलीन नहीं है वो मसल गरीब है जिस मसल के पास में नहीं है वो मसल गरीब है जिस जिस विद्यार्थी के के पास पास में में टीचर गुरुजन के पास में, में, में ज्ञान की कमी है वो गरीब माने जाते हैं तो गुरु और स्टूडेंट के पास में ज्ञान की भरमार होनी चाहिए और मसल के पास में एस्टाइल कोलिन होना चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ओवरलोड जो है वो खराब होता है कुछ लोगों को ज्ञान ज़्यादा होता है ज़्यादा ज्ञानी बहुत खराब होते हैं है वो समस्या पैदा करते हैं तो ज्ञान उतना ही अच्छा होता है जो सही तरीके का ज्ञान हो है ना ओवरलोडेड ना हो जाए तो यहाँ पे एस्टाइल कोलिन ज़्यादा ना जाए और कम भी ना पड़ जाए ये मैनेज कौन करता है रिसेप्टर तो हमेशा ज़्यादा ही लेगा लेकिन कमी कौन करेगा कमी करेगा कोलिन तो अगर किसी मरीज में अगर किसी मरीज में जी का लेवल जो है रिसेप्टर साइड जो है वो डैमेज हो जाए और कोलिन ज्यादा हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में एस्ट्रेल कोलीन की कमी हो जाती है सवाल ने आपसे पूछा है ग्रेविस जो है उसमें बीमारी क्यों होती है अब जवाब लिखेगा क्या रीजन है पहला लिखा भाई जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें प्रोडक्शन अफेक्ट होता है तो ये बात गड़बड़ है एस्ट्रेलकोलिन के प्रोडक्शन की हमने बात ही नहीं की तो यहां पे पड़ा हुआ है एस्टलोलिन को यहां से रिलीज करवा के वहां भेजने का काम कैल्शियम नाम के एक आयन का होता है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके और ये कैल्शियम इसको यहां से रिलीज कराएगा सिंपली और आगे जाके ये मसल के अंदर मूवमेंट कराता है अब यहां पे अगला लिखा हुआ इन एफिशियंट यूज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एस्टेलकोलिन तो अगर जाएगा तो यूज तो एफिशियंट होगा तो इन एफिशियंट यूज वाली बात भी यहां पे नहीं होती है तो होता क्या है होता है रिसेप्टर का पंगा यहां पे सर डिक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ फंक्शनिंग एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर साइट ये जो रिसेप्टर साइट है इसके फंक्शनिंग नंबर कम हो जाते हैं तो कम कोलिन लेती है और कम लेगी तो मसल में कोलिन की कमी हो जाएगी और मसल में कोलिन की कमी माइस्ते ग्रेविस बीमारी करती है समझ में आया लाले अगर आपको कोई पूछे मास्तेना ग्रेविस क्या है कि कोलिन कम होना तो पूछेगा कहाँ कम होना तो जो आप दे देना मसल में कम होना तो पूछेगा मसल में कम क्यों होता है तो जवाब दे देना रिसेप्टर साइट जो है वो लेस फंक्शनिंग होगी है डैमेज होगी है रिसेप्टर डैमेज क्यों हुए हैं ऑटो इम्यून प्रोसेस से मास्तेना ग्रेविस में ये जो रिसेप्टर डैमेज होता है इनको डैमेज कौन करता है ऑटो इम्यून, इम्यून प्रोसेस क्या है तो मेरी बॉडी तो उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी एंटी खींच ली और फोटो लेके पूरी बॉडी में घूम रहा है इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ढूंढ रहा है कि ऐसा वायरस का है तो ससुर उस वायरस की शकल जो है वह एस्टल कोलिन के रिसेप्टर से मैच हो गई अब वायरस

तो आपकी जिंदगी भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी और लाइफ में सफलता आपके बहुत करीब आ जाती है, पे इस बात का ध्यान होता है। और, और तो एस्टाइल कोलिन का कमी होगा कम हो तो मसल में मूवमेंट गड़बड़ा जाएंगे और यह बीमारी ग्रेविस, ग्रेविस की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो समझ में आ गई है पूरी अच्छी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एक मरीज है माइस्ते ग्रेविस का और ये क्या पूछ रहा है व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी एंड माई फैमिली वाट इज गोइंग टू हैपन टू मी एंड माई फैमिली मेरे को माइस्तेनिया ग्रेविस हो गया है तो मेरा और मेरी फैमिली का क्या होगा मेरा और मेरी फैमिली का क्या होगा वॉट इंफॉर्मेशन अबाउट वट द क्लाइंट कैन एंटीसिपेट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द नर्सेज रेस्पॉन्स जो आप लिखिएगा पहला लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है हाई क्योर रेट विद प्रॉपर ट्रीटमेंट स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स विदाउट रिमिशन क्रॉनिक इलनेस विद एक्जर्बेशन एंड रिमिशन पुअर प्रोग्नोसिस विद डेथ अकरिंग इन अ फ्यू मंथ मरीज ने पूछा कि मेरे को ये बीमारी हो गई तो मेरे को ये बीमारी हो गई तो अब मेरा क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा मेरे खानदान का क्या होगा तो जवाब आया आपकी तरफ से चार तरह के सही जवाब कौन सा है पहला है हाई क्यों रेट विद प्रॉपर ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट दिया तो सौ परसेंट ठीक हो जाओगे अगर इलाज लिया तो कितना परसेंट ठीक हो जाओगे सौ परसेंट बिल्कुल सही हो जाओगे दूसरा है स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स विदाउट रिमिशन कोर्स जो है कोर्स मतलब बीमारी ये बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिव होती है और इसमें रिमिशन नहीं होता है रिमिशन का मतलब होता है ठीक होना और किसका ठीक होना सिम्टम का ठीक होना रिमिशन का मतलब होता है सिम्टम का ठीक होना तो बीमारी में सिम्टम ठीक हो जाते हैं बीमारी तो ठीक नहीं होती है पर सिम्टम ठीक हो जाते हैं रिमिशन का मतलब है लेकिन यह कह रहा है कि बीमारी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी और इसमें कभी भी सिम्टम ठीक होते ही नहीं है एक बार मसल वीक हो गई तो जिंदगी भर वीक होगी कुछ भी उखाड़ लो तुम कभी भी मसल वापस स्ट्रेंथ नहीं आती है बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है अगला है क्रॉनिक इलनेस है लंबी बीमारी है विद एग्जा एंड रिमिशन इस बीमारी में कभी सिम्टम ठीक हो जाते हैं और कभी वापस बीमारी के सिम्टम आ जाते हैं सिम्टम का ठीक होना तो कहलाता है रिमिशन और सिम्टम का वापस एपियर होना कहलाता है एग्जा सर्वेशन को ही हम रिलैप्स कहते हैं और इसका मतलब होता है सिम्टम दोबारा से आ गए सर्वेशन या रिलैप्सिंग हो गया मतलब सिम्टम दोबारा गए और रिमिशन हो गया मतलब सिम्टम ठीक हो गए ऐसी दो बातें साथ में चलती है अगला है पुअर प्रोग्नोसिस बहुत बुरा प्रोग्नोसिस है कभी जिंदगी में ठीक नहीं होती है विद डेथ अकरिंग इन फ्यू मंथ्स कुछ ही महीनों में मृत्यु प्राप्त हो जाती है कुछ ही महीनों में मृत्यु प्राप्त हो जाती है ऐसे चार ऑप्शन है क्या भविष्य है इस बीमारी का जवाब लिखिएगा भाई सभी लोग जवाब लिखे इस बीमारी का भविष्य क्या है ग्रेविस कैसी बीमारी है क्या बताएंगे आप मरीज को जिसको माइस्टिन्रेविस होगी जवाब लिखे जवाब लिखे सभी लोग जवाब लिखे रिमिशन का मतलब दोबारा हो जाएगी नहीं होता है कीर्ति यादव रिमिशन का मतलब होता है बीमारी के सिम्टम का ठीक हो जाना वापस बता रहा हूं फिर एक वर्ड है रिमिशन और दूसरा वर्ड यहां पे हमने लिखा है एग्जासबेशन एग्जासबेशन इसी को हम बोलते हैं रिलैप्स रिमिशन का मतलब होता है ये दोनों ही वर्ड उन बीमारियों के लिए काम में लिए जाते हैं जो बीमारियां कभी ठीक नहीं होती है जो क्रॉनिक डिजीज होती है क्रॉनिक डिजीज होती है उनके लिए वर्ड होता है क्रॉनिक डिजीज को जब हम इलाज करते हैं ट्रीटमेंट देते हैं ट्रीटमेंट देते हैं जब हम क्या देते हैं ट्रीटमेंट तो सिम्टम क्योर हो जाते हैं कौन क्योर हो जाते हैं सिम्टम क्योर हो जाते हैं ट्रीटमेंट से सिम्टम क्योर हो जाते हैं डिजीज अनक्योर रहती है बीमारी ठीक नहीं होती है सिम्टम ठीक हो जाते हैं फिर क्या होगा फिर क्या होगा एग्जास्ट या रिलैप्स में क्या होता है कि ट्रीटमेंट देते हैं तो मतलब ट्रीटमेंट दिया सिम्टम क्योर हो गए बीमारी अनक्योर थी और जैसे ही कोई ऐसा वापस दोबारा से कोई फैक्टर ने काम किया किसी ने प्रसिपिटेट किया तो बीमारी दोबारा से क्या हो जाती है रिलैक्स हो जाती है सिम्टम रीअकर सिम्टम क्या आ जाते हैं? सिम्टम रीअकर हो जाते हैं सिम्टमारिया है। है, तो है? है, ग्रेविस समझ में आया समझ में आ गया बहुत बढ़िया तो यहां क्या बन जाएगा कि एक ये एक क्रॉनिक बीमारी है ग्रेविस कैसी बीमारी है ये क्रॉनिक बीमारी है जिसमें एग्जास्ट और रिमिशन होता है याद रख लीजिएगा इस बीमारी में जैसे बीमारी के सिम्टम आएंगे हम बीमारी का इलाज करेंगे जब हम इलाज करेंगे तो बीमारी जो है वो दोबारा से ठीक हो जाती है मतलब उसका रिमिशन हो जाता है और जैसे ही कोई फैक्टर काम करता है बीमारी का क्या हो जाता है एग्जास्ट तो दिस इज ए क्रॉनिक डिजीज जिसमें रिमिशन और एग्जा दोनों बातें रहती है याद रह जाएगा सभी लोगों को अब करेक्ट आंसर सी बनेगा समझ में आ गया कि अगर मरीज पूछे इसका भविष्य क्या है तो आप इसका भविष्य बड़ी आसानी से बता सकते हो कि क्रॉनिक बीमारी है जिसमें रिमिशन और एग्जास्टर्वेशन होता है मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा तो अगला क्वेश्चन है सोच समझ के जवाब लिखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक नर्स एंटर है रूम में क्लाइंट के जिसको माइस्ट ग्रेविस नाम की बीमारी है आइडेंटिफाई दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग इनक्रीज हमने बोला इस बीमारी में मसल में वीकनेस होती है क्योंकि उसमें नहीं है, और मसल में वीकनेस, वीकनेस, तो उस वीकनेस वजह से, वीकने, से मसल वीकनेस वजह से यहां पे वीकनेस रहेगी किसमें मसल में और जब मसल में वीकनेस होएगी तो मरीज के यहां पे फेरिंग्स वाली जो मसल है फेरिंग्स वाली जो मसल है उसके अंदर भी वीकनेस है यह मदद कर दी है स्वेलो करने में और इस मसल में जब वीकनेस होगी तो मरीज को डिस्फेजिया हो जाएगा इसका मतलब होता है डिफिकल्टी हो जाएगी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यह स्वेलोइंग में डिफिकल्टी क्यों हो रही है क्योंकि यहां पे जो मसल है जो स्वेलो करने में मदद करती है जिसको हम फेरिंग्स वाली मसल कहते हैं उन स्वेलोइंग वाली मसल के अंदर क्या आ गया है वीकनेस और फेरिंग्स वाली मसल में वीकनेस की वजह से द क्लाइंट कैनोट स्वेलो तो क्या करेंगे आप एज ए नर्स सबसे पहले ऑक्सीजन लगाएंगे हेड लगाएंगेडो बेड को रेज करेंगे, करेंगे या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और प्रायरिटी वाला क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट मत करना क्योंकि ऑप्शन सारे ही जबरदस्त वाले हैं पहला क्या लिखा हुआ है ऑक्सीजन लगाएंगे दूसरा लिखा हुआ है हेड और बेड को एलिवेट करेंगे तीसरा है ट्रेकियल सक्शनिंग करेंगे याद रखना ट्रेकियल सक्शनिंग करेंगे और अगला लिखा हुआ है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे क्योंकि मरीज को डिस्फेजिया हो रहा है मसल वीक हुई है स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है क्या इंटरेस्टिंग आंसर बनेगा मैक्सिमम लोगों ने बी पे विश्वास दिखाया कुछ लोगों को सी और कुछ लोगों को डी भी लग रहा है मतलब क्वेश्चन थोड़ा जानदार है आपको जवाब लिखना है अपनी वजह से अब देखो बीमारी का नाम है माइस्ते और बीमारी में जो सिम्टम आ रहा है वो है डिस्फेजिया जब भी एग्जाम में कोई भी बीमारी दिया और साथ में उसका सिम्टम दिया तो सवाल बीमारी का जवाब नहीं चाहता है सिम्टम का जवाब चाहता है सवाल बीमारी का जवाब नहीं चाहता है सिम्टम का जवाब चाहता है और सिम्टम क्या है डिस्फेजिया है मैं अगर पानी पी रहा हूं और मेरे को पानी स्वेलो करने में प्रॉब्लम है तो पानी जो है वो खाने की नली में जाने की जगह सांस की नली में चला जा जाएगा अगर मेरे को स्वेलो करने में प्रॉब्लम है तो पानी खाने की नली में जाने की जगह सांस की नली में चला जाएगा तो जिस मरीज को डिस होता है उसको बेसिकली हम ओरल देना पसंद नहीं करते हैं ओरल फीडिंग देना पसंद नहीं करते हैं उसके लिए हम एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं अगर किसी भी आदमी को स्वेलो करने में प्रॉब्लम है तो उस आदमी को हम ओरल फीड नहीं देते हैं क्या लगा देते हैं डिस्फेजिया वाले के गैस्ट्रिक ट्यूब लगा देते हैं एनजी ट्यूब लगा देते हैं और यह ट्यूब नाक से होके गले से होके पेट तक जाएगी और ट्यूब से हम खाना देंगे याद रखें जब भी हम नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं डिस्फेजिया वाले मरीज को तो चाहे मरीज को डिस्फेजिया हो रहा हो चाहे मरीज को नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई हो इन सभी मरीजों में हमेशा एस्पिरेशन की रिस्क रहती है डिस्फेजिया वाले मरीज में और गैस्ट्रिक ट्यूब वाले मरीज में हमेशा क्या रहेगी रिस्क रहेगी और कौन सी रिस्क रहेगी रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, वो जो खाना है उसको एस्पिरेट कर जाएंगे ये रिस्क है उनको इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको हेड और बेड को रेज करके रखना पड़ेगा जब एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं मरीज को लगातार जिस भी मरीज को स्वेलो करने में प्रॉब्लम है उसका हैडो बेड को क्या कर दो रेज कर दो अगर उसको रेज नहीं किया तो कहा चले जाएंगे सिक्रिश

सब कुछ करना पड़ता ऑक्सीजन लगानी पड़ती इंटूबेट करना पड़ता सक्शन करना पड़ता हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना पड़ता लेकिन अभी मरीज सिर्फ एस्पिरेशन की रिस्क पे है मरीज जो है उसको एस्पिरेशन हुआ नहीं है होगा तब इन्फॉर्म करेंगे ये बात इंपॉर्टेंट है अभी तो सिर्फ आपको एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बी बन जाएगा इसलिए कई लोगों को यह लगा होगा कि डिस जाए तो हम तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे ये लगता है हमें यहाँ पे भी लगता है एग्जाम में भी लगता है लेकिन जिस दिन हम ये लगना बंद हो जाएगा और जिस दिन हमारी सोच जो है वो एग्जामिनर से क्वेश्चन से और सही कंसेप्ट से मिलने लग जाएगी उस दिन मामला अलग तरीके का बन जाएगा और उस दिन सफलता वाली जो सी है उस पर पाँव रख देंगे और माता पिता की हंसी का कारण बनेंगे बस एक बार कारण बन गए ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि उनकी हंसी बहुत मैटर करती है भगवान के लिए भी क्लियर है कि नहीं है भगवान रामचंद्र को देख लो आप अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया उन्होंने भले ही चौदह वर्ष का वनवास जाना पड़ा हो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि भगवान ने इस प्रूव किया इन चीजों को यहां पे धरती पे आके किया ऐसा अगला क्वेश्चन एक यंग वुमन एडमिट हुई है हॉस्पिटल में कंप्लेन कर रही है कि भाई उसको बहुत ज्यादा थकान हो रही है और उसको बहुत ज्यादा वीकनेस है कई सारे सप्ताह से देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है और वीकनेस है सिवरल वीक ऑफ ड्यूरेशन से क्लियर है तो आपको यह बताना है क्या बताना है कि उसका फिजिशियन जो है वो सस्पेक्ट क्या कर रहा है कि उसको हो सकता है कि भाई माइस्तेनिया ग्रेविस हो ऐसा लग रहा है एडिशनल फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू हैव अगर उसको माइस्तेनिया ग्रेविस है तो उसको और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे पहला लिखा हुआ है अटेक्शिया देखो मरीज का तो दो कंप्लेन था वहां पे एक कंप्लेन है कि उसको बहुत ज्यादा थकान हो रही है और दूसरा कंप्लेन है कि उसको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है मसल वीकनेस हो रही है तो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको यह बताना है कि और क्या फाइंडिंग होगी अटेक्सिया एंड पुअर कोऑर्डिनेशन याद रखो अटेक्शिया का मतलब क्या होता है अटेक्शिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्रली स्केलेटल मसल मेरी जो स्केलेटल मसल है इसके मूवमेंट मेरी इच्छा से होते हैं अगर इसके मूवमेंट मेरी इच्छा के विरुद्ध होने लग जाए तो इसको अटेक्शा कहते हैं और यह सेंटर का सिम्टम है सेंटर और सेंटर में यह कोऑर्डिनेशन जो है यह करने का काम करता है सेरिबेलम तो अगर किसी मरीज को सेरिबेलम का इंजुरी हो तब उसको यह सिम्टम आते हैं तो ये सिम्टम का संबंध इस माइस्ट ग्रेविस से नहीं है अटैक्सिया और आपका पुअर कोऑर्डिनेशन हमेशा सेरिबेलम के साइन है इस बीमारी में सेरिबेलम का रिश्ता नहीं है एक यहाँ पे ऑप्शन लिखा है स्लर्ड स्पीच स्लर्ड स्पीच जो होती है वो इंडिकेट करती है कि वहां पे मरीज को डिक्रीज ब्लड फ्लो हुआ है और कौन से एरिया में ब्रोकाज एरिया में जो कि एक मोटार एरिया है और ये एक तरीके का स्ट्रोक है ये एक तरीका क्या है स्ट्रोक है एक्सीडेंट है तो जिन मरीजों में सीवीए होता है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होता है उनमें स्लट स्पीच हो जाती है एक ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है, हैडेक एंड टिनाइटस याद रखिएगा हेडेक और टिनाइटस जो होता है इसका संबंध जो है वो ईयर से टीनाइटस को हम रिंगिंग सेंसन ऑफ ईयर कहते हैं और यह ज्यादातर इंफेक्शन की वजह से होता है किसकी वजह से इंफेक्शन की वजह से कोई भी इंफेक्शन ईयर में हो तो हेडेक और टिननाइट होता है ज्यादातर कोल्ड फ्लू से होता है गला खराब होता है और ये इंफेक्शन लीड करके मिडिल ईयर को अफेक्ट करता है और मरीज को थोड़ा चक्कर थोड़ा थोड़ा तो और उसको हैडेक रहता है तो दिस इज ऑल द डिफरेंट थिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रेविस इसमें मसल वीकनेस होती है और ये जो वीकनेस होती है ये हमेशा डिसेंडिंग मैनर में होगी तो वीकनेस की शुरुआत हमेशा अपर साइड से होती है और ये जो हमारी आईलिड है ये थोड़ी वीक हो जाती है तो ये ड्रॉप हो जाती है थोड़ी ड्रॉपिंग आईलिड को हम बोलते हैं टॉसिस क्या बोलते हैं टॉसिस और टॉसिस जो होता है ये यह ग्रेविस का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है दिल्ली एम्स में पूछा हुआ सवाल है माइस्टेनिया ग्रेविस का क्लासिकल क्लिनिकल साइन कौन सा है जवाब होता है उसका टॉसिस टॉसिस का मतलब क्या होता है ड्रॉपिंग आईलिड

और ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है ड्रॉपिंग आई ग्रेविस का सबसे क्लासिकल और सबसे कार्डिनल सिम्टम होता है अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब लिखे भाई सवाल कह रहा है विथ स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ ग्रेविस कौन सा मरीज का स्टेटमेंट माइस्ट ग्रेविस की डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है पहला लिखा हुआ है आई हैव वीकनेस एंड फैटिंग इन माई फीट एंड लेग माई आई लिड ड्रॉप एंड आई सी डबल एवरीथिंग आई गेट चेस्ट पेन एंड फेंट आफ्टर आई वॉक इन ए हॉल आई गेन थ्री पाउंड दिस वीक एंड आई एम स्पिटिंग अप पिंक फ्रोदी स्पूटम विच इज द करेक्ट वन सभी लोग जवाब लिखे दोनों सिम्टम अभी हमने बता दिए था आपको कि जिस मरीज की मसल में वीकनेस होगी मसल क्या होगी वीक तो सबसे पहले आई की मसल वीक होगी अच्छा एक बात बताओ आई की मसल को कौन सप्लाई करता है आई की मसल जो है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे है थर्ड क्रेनियल नर्व और इसका नाम था ओक्यलो मोटार नर्व और ये जो ओक्यूलो मोटार नर्व है आई आईलिड की मसल को सप्लाई करती है और मसल को एलिवेट करके रखती है औरबिकुलरिस्ट मसल और लेवेटार पालपेबरी दो मसल होती है ऑर्बिकुलरिस्ट मसल और लेवेटार पालपेबरी और आईलिड को एलिवेट करके रखती है अब अगर यह नर्व सप्लाई तो कर रही है पर एस्टाइल कोली नहीं है तो आईलिड की इन मसल का वीकनेस हो गया और इससे आईलिड ड्रॉप हो जाती है आईलिड जब ड्रॉप होगी तो ये मास्ना ग्रेविस का पहला साइन है और पे मरीज को डबल विजन भी हो जाएगा तो ड्रॉपिंग आईलिड और डबल विजन ड्रॉपिंग आईलिड के लिए अभी हमने हम आई ड्रॉपिंग आईलिड के नाम से जानते है। हैं यहां है। पे तो मसल में वीकनेस होता है आई गेट चेस्ट पेन एंड फेंट आफ्टर आई वॉक इन द होल दैट इज रिलेटेड टू द कार्डियक एलिमेंट I gained three पाउंड this वीक I am एम up pinky, frod, stu, sputum. pinky fro- फ्रोदी स्पूटम Pinky फ्रो pink frothy स्पूटम अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये पलमंदरी एडिमा हो गया है और pulmonary edema जो है वह हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो रहा है तो ऑप्शन डी पलमंद्री एडिमा के बारे में बता रहा है और ये जो है ये आपका कार्डिय एलिमेंट के बारे में बता रहा है और ये जो है बेसिकली कैल्शियम और विटामिन की डेफिशेंसी को बता रहा है यहां पे तो न्यूरो है और डेफिशियर की कमी से ड्रॉपिंग आईलिड और डबल विजन जो है वो यहां पे डेवलप होता है इसको डिप्लोपिया कहते हैं तो टॉसिस और डिप्लोपिया ग्रेविस के क्लासिकल साइन है वीकनेस के अलावा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बीमारी थोड़ी सबसे हटके है बीमारी में स्पेशल होती है चीजें और हम सभी तरीके के कंसेप्स क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि बीमारी पहले थी कहा बीमारी में प्रॉब्लम हुआ क्या कौन सा प्रेजेंटेशन के? के कैसी होगी आपको तो यही कहेगा कि मेरे मसल में वीकनेस है लेकिन इसके अलावा टॉसिस है उसके अंदर डिप्लोपिया हो रहा है ये सिम्टम भी हम उसमें असेस करेंगे ये बहुत क्लासिकल सिम है देखने को हैं है मास्ते वाले मरीज की मसल में ऐसी वीकनेस होती है क्या मरीज को कहते हैं कि दस तक गिनती बोलो तो मरीज किसी काम की शुरुआत बहुत अच्छे से करता है तो जब वो गिनती बोलना शुरू करेगा तो दस नौ आठ सात को दस बहुत अच्छे से बोला नौ ठीक ठाक बोला आठ में थोड़ी स्पीड धीरे हुई सात में कम हुई छह में कम हुई पांच में और मसल वीक है और तीन दो एक बोलते बोलते तो चुपी हो गया मास्तेना ग्रेविस का क्लासिकल था जबकि एक आदमी जिसके मसल में वीक नहीं है उसको दस तक गिनती बोलो एक ही फ्लो में बोलेगा दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक इसका मतलब आपको माइस्ते नहीं है और ऐसा नहीं बोल पा रहे हो इसका मतलब आपको माइस्ते ग्रेविस है तो यहां पे मसल की वीकनेस को असेस करना जरूरी होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन टू वॉट द नर्स एट्रीब्यूट द इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्परेटरी कॉम्प्लीकेशन इनक्लाइंट विद माइस्तेविस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जवाब लिखिएगा सभी लोग जवाब लिखिएगाट डज द नर्स एट्रीब्यूट इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लीकेशन माइस्तेविस वाले मरीज को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लीकेशन यह पूछा यहां पर तो यहां पर जब हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं कब होगा जब रेस्पिरेटरी मसल का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो मरीज को सांस में दिक्कत होने लग जाएगी तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट ग्रेविस क्या एट्रीब्यूट रहेगा जब इन रिस्क बढ़ जाएगी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन की एयरवे नैरो हो जाता है इंपेयर्ड इम्यूनिटी हो जाती है इनइेक्टिव कपिंग हो जाती है या विस्कोसिटी ऑफ सिक्रिश हो जाता है जवाब लिखिएगा सभी लोग जवाब लिखे भाई और अपना अपना जवाब लिखे मैंने फिर बोलना है कट कॉपी पेस्ट मत करो और अगर जवाब नहीं आ रहा है तो अगरबत्ती लगाओ अरे सर अगरबत्ती कैसे मतलब लाइक बटन को प्रेस करो अगर ये अगरबत्ती लगेगी ना तो एक विश्वास पैदा होगा और किसी ने खूब कहा था कि नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर सो बार फिसलती है मन का विश्वास रगो में साहस भरता है जब वो सो बार फिसली तो उसके मन में विश्वास था चढ़ जाऊंगी चढ़ जाऊंगी चढ़ जाऊंगी तो मन की विश्वास ने उसकी पूरी रगो में साहस भरा और चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं है करता है क्या फर्क पड़ता है ऐसा बोला उसने अपने आप से और कोशिश करती रही क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती चढ़ी जाती है ससुरी तो अगर आपको भी अपने लक्ष्य पे चढ़ाई करनी है तो अपना जवाब देना है अपना दिमाग लगाना है हर एक क्वेश्चन में क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले बैठोगे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप अकेले बैठोगे आपका जवाब अगर नेरो एयर में है तो मैं फिर बताता हूं कि माइस्या ग्रेविस में जो एयरवे होता है उसमें स्पाज में नहीं होता है नेरो एयरवे जो होते हैं ये ब्रोंको स्पाज में, में होता है ब्रोंको स्पाज में और ब्रोंको स्पाज में जो होते हैं ये अस्थमा वाली बीमारी होती है कौन सी बीमारी होती है अस्थमा वाली जिसमें एयरवे नैरो हो जाते हैं या सीओपीडी जिसमें इरिवर्सिबल नैरो इ रिवर्सिबल एयरवे मेरी माइस्या ग्रेविस बीमारी जो है वो ब्रोंको स्पाज वाली बीमारी नहीं है सीओपीडी वाली बीमारी नहीं है इसमें सांस की नलिये छोटी नहीं होती है नेरो एयरवे का मतलब होता है पाइप का छोटा हो जाना क्यों उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पाजम हो गया जमावट हो गया उसको ब्रोंको स्पाजम कहते हैं तो ये तो गलत हो गया जवाब अगला यहां पर क्या लिखा हुआ है इंपेयर्ड इम्यूनिटी याद रखना माइस्तना ग्रेविस बीमारी जो है इम्यूनिटी कम वाली बीमारी नहीं है ये बीमारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली बीमारी नहीं है इस बीमारी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है वो एच वाले मरीजों में होता है इस बीमारी में ऐसा नहीं होता है तो यह जवाब भी क्या हो गया खोटा हो गया गलत हो गया गलत हो गया अब दो ऑप्शन है इन इफेक्टिव कपिंग और विस्कोसिटी ऑफ सिक्रिशन याद रखो दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमने बोला हमारी जो ग्रेविस बीमारी है इसमें सर मसल वीक होती है मसल क्या होती है वीक और जब हम कफिंग करते हैं तो कफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मसल को यूज करके तो ये किससे होगा विद हेल्प ऑफ़ मसल अगर मसल वीक है तो आदमी खांस भी नहीं पाएगा क्योंकि खांसने के लिए भी ताकत चाहिए ताकत नहीं है तो यहां पे प्रॉब्लम होती है मसल वीकनेस की वजह से कफिंग इन होती है और जब मरीज इफेक्टिव कपिंग नहीं कर पाएगा तो वो सिक्रिशंस को बाहर नहीं निकाल पाएगा और सिक्रिशंस अंदर रुकेंगे तो इन्फेक्शन करेंगे निमोनिया हो जाएगा वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी गैस एक्सचेंज में डिस्टरबेंस होएगा। जब कपिंग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा इन इफेक्टिव, होगा क्या इनफेक्टिव हो जाएगा गैस एक्सचेंज गैस एक्सचेंज जो है इन इफेक्टिव हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा और ये प्रॉब्लम होगी सिक्रिशन की विस्कोसिटी यहां पे कारण नहीं है तो जवाब क्या बनेगा जवाब सी बनेगा और कफिंग के लिए मसल स्ट्रेंथ चाहिए होती है याद रह जाएगा बहुत बढ़िया मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइंटोसिस नहीं है लाले मल्टीपल का स्क्रोसॉसिस नहीं है रितिका हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्क्लोरोसिस आगे की बीमारी है और उसका साइंटोसिस नहीं है फिर बता रहा हूं क्लासिकल एंड क्लिनिकल साइन फॉर ग्रेविस बस इतना याद रखना जिंदगी में भेड़िया मत करो ये इसमें भी होता है ना इसमें भी होता है। गड़बड़ा जाएगा मामला एग्जाम में क्लासिकल साइन है gravis का क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक एडल्ट है, थॉट टू द नर्स नोज दैट विच टेस्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट क्लिनिकल साइन समझ में गए मसल वीकनेस के साइन होते हैं अब आपको यह बताना है अब आपको यह बताना है कि माइस्तेना ग्रेविस वाला जो मरीज एडल्ट है उसमें डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं पहला लिखा हुआ है लंबर पंचर दूसरा है सीटी स्कैन तीसरा है सेरिब्रल एंजियोग्राम एंग, और लास्ट है इंड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट विच इज द क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर माइस्तेना ग्रेविस सभी लोग जवाब लिखे भाई माइस्ना ग्रेविस का क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत अच्छे याद रखना बहुत फेमस सवाल है बहुत ही फेमस सवाल है और ग्रेविस को कभी भी लंबर पंचर से नहीं करते हैं यह हमेशा करते हैं सीएसएफ एनालिस के लिए मैन में करते हैं सीएसएफ एनालिस के, के लिए लंबर पंचर पंचर करेंगे तभी सी एस एफ निकलेगा सी टी स्कैन जो होती है वो ज़्यादातर सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट जो स्ट्रोक वाले मरीज होते हैं उसमें सबसे पहला टेस्ट सी होता है ये डिफरेंट करने के लिए कि उसको आ, जो है आपका हेमरेजी की स्ट्रोक है या इस्टिमिक स्ट्रोक है तो सी करवा लो अगला लिखा हुआ है सेरिब्रल एंजियोग्राम सेरिब्रल एंजियोग्राम जो है वो जब ब्लड वेसल में रुकावट है जैसे सीवीए होता है और इसमें अगर वेसल्स के अंदर कहीं भी थ्रोम्बस है तो कौन सी वैसल में कितना परसेंट ब्लॉकेज है इसका पता लगाने के लिए वैसल्स को असेस करने के लिए कैथेटर के ट्रू डाई इंजेक्ट करके वैसल्स को विजुअलाइज करना कहलाता है तो यह टेस्ट भी इस बीमारी से संबंध नहीं रखता है तो तीनों बातें गलत हो गई अब आपको क्या बताना है अब आपको बताना है लास्ट ऑप्शन जो है इड्रोफोनियम या टेंसिलोन टेस्ट याद रखना इड्रोफोनियम एक दवाई है टेंसिलोन उसका ब्रांड नेम है और ये टेस्ट माजते या ग्रेविस्ट में करते हैं इड्रोफोनियम जो होता है वो एक एंटी कोलिनेस्ट्रेज है इड्रोफोनियम क्या है ये एक एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग है याद रखना ये कौन सी दवाई है ये एक एंटी कोलिनेस्ट्रेज नेस्ट्रेज ये कौन सी दवाई है एंटी कोलिनेस्ट्रेज है ये कोलिनर्जिक नहीं है ये दवाई एंटी कोलिनर्जिक नहीं है

तो इड्रोफोनियम हमने बोला कैसी दवाई है यह दवाई एंटी कोलिनेस्ट्रेज है एंटी कोलीस्ट्रेज है अब मेरी बात को समझिएगा हमने बताया कि साहब यहां पे न्यूरो होते हैं और इनको यहां जाना होता है और मैंने एक बात बताई कि अगर यहां से जो कोलिन पड़े हुए हैं इनमें से अगर दस एक्स्ट्रा कोलिन यहां पर पहुंचते हैं तो छह तो काम आते हैं और दो को ये खा जाता है दो को ये खा जाता है ऐसा हुआ वहां पे दस पहुंचते हैं तो छह तो काम आते हैं और दो यहां खा जाते हैं दो यहां ये खा जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि चार एक्स्ट्रा आगे थे तो जो खाते हैं इसको बोलते हैं कोलिन इनको हमने इनएक्टिवेटर साइट बोला और जो इसको लेते हैं इनको बोला हमने कोलिनर्जिक साइट या इसी को हमने बोला रिसेप्टर साइट समझिएगा मजा आ जाएगा तो इस बीमारी में हुआ क्या कि जो रिसेप्टर साइट है वो कुछ साइट डैमेज हो गई कि साहब पहले दस आते थे जब दोनों रिसेप्टर सही थे ससुरा एक रिसेप्टर जो है वो खराब हो गया तो अभी दस की जगह जब रिसीव होता है तो ये अकेला करता है मेहनत तो दस की जगह छ ही आ पाते हैं अंदर मान लो पहले दस आते थे अभी दस की जगह अंदर कितने आते हैं छ आते हैं अंदर छ अंदर छ आए पहले दस आते थे लेकिन मरीज को माइस्ना ग्रेविस्ट बीमारी है तो कुछ रिसेप्टर खराब हो गए तो अब दस की जगह अंदर छ ही आ रहे हैं मसल में अब छह में से ये कहता है दो तो मैं खाऊंगा ये कहता है दो को मैं खाऊंगा ये जो तो कोलिनेस्टेज है दो को ये खा जाता है दो को ये खा जाता है तो पीछे कितने बचे दो ही बचे और मसल में ताकत रखने के लिए कितने चाहिए छह चाहिए बचे कितने दो दो एक आ गया दो एक पीछे दो ही बचे दो कम है यह कोलिन कम है कम है तो मसल में वीकनेस आई अब मरी आया मेरे मसल में वीकनेस हो रही है मैं क्या करूं हम रो उमत, हमने रो मत हमने कहा मत हमने कहा रो मत क्या बोलो क्या बोलो इड्रोफोनियम ले लो क्या ले लो इड्रोफोनियम ले लो रो मत क्या ले लो इड्रोफोनियम तो इड्रोफोनियम हमने इसको दिया अब इड्रोफोनियम क्या है इड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज है हमने यहां पे क्या बोला ये एंटीकोलिनेस्टरेज है तो ये क्या करेगी ससुरी ये इस कोलिनेस्टरेज के ऊपर काम करेगी और इस कोलिनेस्टरेज को कहेगी कि आज से तुम्हारे खाना मिलना बंद आज से तुम्हें मिलना बंद क्यों मिलना बंद कोलिनेस्टरेज ने बोला हमने क्या बिना बोला चुप हम एंटी कोलिनेस्टेज है हमारे सामने जवान लड़ाते हो चुप बैठ जाओ आज से तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा आज से तुम्हारे पास में एस्टाइल कोलिन नहीं आएगा याद रख लेना किसके पास में कोलिनेस्ट के पास में आज से एस्टाइल कोलिन नहीं आएगा यह आदेश पारित करता है एड्रोफोनियम जो कैसी दवाई है ये दवाई एंटी है एंटी है, है अगेंस्ट है किसके अगेंस्ट है कोलिनेस्टेज के अगेंस्ट है और कोलिनेस्ट्रेज को कहती है कि आज से तुम चुप हो जाओ हमारा हुक्म चलेगा तो इसके काम बंद कर दिए जब इसके बंद कर दिए तो हमारा रिसेप्टर तो उतना ही है रिसेप्टर तो वही है एक खराब है याद रखना ऐसी धरती पे दवाई बनी नहीं है जो रिसेप्टर को ठीक कर दे ऐसी धरती पे दवाई बनी नहीं है जो रिसेप्टर को ठीक कर दे तो फिर ससुरा स्टाइल कोलिन को कैसे बढ़ाएं तो इनको चुप कराओ तो इनको चुप कराया तो जो छह आया ना तो उधर गया ना उधर गया मसल इज हैप्पी नाउ इट हैव वाओ अब मसल अच्छे से मूव करती है अब मैं डिप्लोपिया डिस्प्ले जब कुछ नहीं हो रहा है मेरे सिम्टम गायब हो गए बीमारी क्या हो गई बीमारी रिमिशन हो गई क्या हो गई रिमिशन अरे क्योर हुई क्या क्योर नहीं हुई लाले मसल में ताकत आ गई जब मसल में ताकत आ गई बात खत्म बीमारी के सिम्टम गए हैं बीमारी नहीं गई है बीमारी तो अभी भी है ना रिसेप्टर कहा ठीक हुआ है रिसेप्टर तो अभी भी नॉन फंक्शनिंग है रिसेप्टर तो अभी भी काम नहीं कर रहा है लेकिन कौन ठीक हुई कौन ठीक हुई मसल ठीक हो गई उसमें ताकत आ गई क्योंकि हमने किसको चुप करा दिया को चुप करा दिया पकड़े बात को अब हुआ क्या हुआ क्या किसी ने हमने ये दवाई दी और मरीज को वीकनेस थी और जैसे दी मसल में क्या आ गई ताकत टेस्ट क्या है पॉजिटिव है मरीज को बीमारी कौन सी है मास्ते ग्रेविस है और इस दवाई से वो रेस्पॉन्ड कर रही है

कल कल इसका रेस्पॉन्स आएगा तो कैसे डायग्नोस करेंगे मरीज के साथ साथ घर जाएंगे क्या नहीं जा सकते ना दवाई देते ही का असर बताए उसको बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग एक्टिंग ड्रग ये है इसलिए ही काम में लेते हैं याद रख लीजिएगा बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन एक डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया टेंसिलोन टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिएगा अब आपको टेंसिलोन टेस्ट पता चल गया और डॉक्टर ने ससुरे ने बोला कि टेंसिलोन टेस्ट कराओ उस वुमन के लिए जिसको क्या है ग्रेविस है उसको यह टेस्ट कराओ ग्रेविस है उसको टेंसिलोन, टेस्ट कराओ तो आपको यह बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस टेस्ट इस टेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सही है जवाब लिखेगा जवाब लिखेगा सभी लोगों का जवाब लिखे सभी लोग जवाब लिखे क्या लिखा हुआ है पहला है पॉजिटिव रिजल्ट विल बी एविडेंट विद इन one minute of injection of tensilon if she have myasthenia gravis this is of diagnostic value in only 25% of patient with myasthenia gravis administration of tensilon causes an immediate decrease in muscle strength for about an hour in person with myasthenia gravis and tensilon work by blocking the action of acetylcholine at the neuromuscular junction what is the correct statement which statement is very true which statement is true आंसर लिखे और सभी लोग आंसर लिखे सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे कुछ लोगों ने ए लिखा है कुछ को डी लग रहा है और कुछ लोगों को सी लग रहा है वैरायटी है जवाब में वैरायटी है जवाब में टेंसिलोन टेस्ट को समझाने के बाद में भी अपना दिमाग लगा रहे अभी हमने टेस्ट बताया और इस टेस्ट में मैंने नहीं बोला कि ये टेस्ट जो है वो ब्लॉक करता है एस्टेल कोलिन के एक्शन को अरे मेरे लाले मैंने कहा बताया ये ब्लॉक करता है एक्सटन को ये दवाई कोई एक्शन को ब्लॉक नहीं करती है ये तो कोलिन को चुप कराती है यहाँ पे कोलिन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है तो डी आंसर जो लिख रहे हैं थोड़ा पढ़े ऑप्शन को इसने ब्लॉक करने की बात लिखी है एस्टेल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती है ऐसा ये दवाई नहीं करती है गलत हो गया एक लिखा हुआ है दवाई एडमिनिस्टर करते हैं तो ये इमीडिएटली मसल की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है अरे ये तो मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है उल्टा काम नहीं करेगी ये मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है डिक्रीज नहीं करती है याद रखना यह डिक्रीज नहीं करती है ग्रेविस में स्ट्रेंथ को बढ़ाती है गलत हो गया बी गलत हो गया एक लिखा हुआ इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू सिर्फ पच्चीस परसेंट है जो टेस्ट इस बीमारी का कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसकी वैल्यू पच्चीस परसेंट यह किसने बोला यह तो सबसे खोटा जवाब है कन्फर्मेटिव टेस्ट है सौ परसेंट प्रूव करता है बीमारी को तो गलत हो गया एक ही ऑप्शन बचा यह टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव है इसका पॉजिटिव रिजल्ट एविडेंस है सबूत है सबूत है विद इन वन मिनट इंजेक्शन लगाती सेकंडों में मिनटों में जवाब देता है टेंसिलोन कि उसको माइस्तेना ग्रेविस है इतना जबरदस्त टेस्ट है दवाई दिया मिनटों के अंदर बताया कि मरीज को माइस्तेना ग्रेविस बीमारी है बिल्कुल सही बात बोली बिल्कुल सही बात बोली

देखिएगा टेस्ट जिंदगी में परमानेंट हो जाएगा इस मेमोरी के अंदर याद रखना ग्रेविस का मरीज है और उसको एक दवाई रिसीव करा है पूछ रहा है और एक्शन के बारे में पूछ रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट इट एक्शन शुड द व्हेन वैंड ए रेस्पॉन्स मरीज एक दवाई ले रहा है दवाई का नाम दिया न्यूस्टिगमिन आप यह बताना है यह बताना है कि यह दवाई कैसे काम करती है रेस्पॉन्स पूछा दवाई का पहला है स्टिमुलेट द सेरिब्रल कॉटेक्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज रिप्लेस द डेपिशियंट न्यूरो ट्रांसमीटर और एसिलेटेड ट्रांसमिशन अलोंग न्यूरल सीथ जो आप लिखे अपना अपना क्या अपना अपना जवाब लिखे और सोच समझ के लिखे क्योंकि जवाब तो हम बता चुके हैं और इलाज माइस्त ग्रेविस का कर रहे हैं तो सोचने समझने की बात तो खत्म हो गई दवाई का नाम है दवाई का नाम है न्योस्टिंग और दवाई एंटी कोलिनेस्ट ड्रग है कैसी दवाई है एंटी ड्रग है अरे लालो बता दो एंटी कोलिनेस्ट्रेज क्या काम करती है अरे सर कितने भोले हो कोलिनेस्ट्रेज को चुप कराती है कोलिनेस्टेज कहा लिखा है लाले ये सर बी ऑप्शन में ब्लॉक द एक्शन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज समझ आया कुछ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट यह नहीं करती है न्यूरो को रिप्लेस नहीं किया जा सकता याद रखना न्यूरो को रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ट्रांसमिशन गड़बड़ हो गया याद रखो हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है मान लो आपके शरीर में इंसुलिन कम है तो हम क्या देते हैं अरे हम सर इंसुलिन देते हैं अगर थाइरोक्सिन कम है तो क्या देंगे अरे सर था देंगे और क्या देंगे तो अगर एस्टाइल कोलिन कम है तो क्या देंगे अरे सर एस्टाइल कोलिन देंगे और क्या देंगे यही जवाब आएगा बिल्कुल आएगा चलिए एस्टाइल कोलिन कम है तो हमने बनाया बना के हमने दिया तो ससुरा पहुंचा ही नहीं वहां पे जहां पे जाना चाहिए था मसल तक गया ही नहीं हमने बोला कहा हुआ एस्टाइल कोलिन तुम गए क्यों नहीं बोला मैम जैसे ही ब्लड में गए वहां पे हमें खत्म कर दिया हमें जीरो कर दिया ब्लड में टिकता ही नहीं है एस्टाइल कोलिन एस्टाइलकोलिन हम खाते हैं एबजॉब होता है ब्लड में जाता है ब्लड में जीरो हो जाता है उसको जिंदा ही नहीं रहने दिया जाता है जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसको देने का फायदा क्या इसलिए कभी भी नहीं देते हैं पे कभी भी नहीं देते हैं। इसकी जगह हम क्या देते हैं इसकी जगह हम एंटी एस्ट्रेज दवाई देते हैं बार बार जो कोलिन को चुप कराती है रिसेप्टर ठीक नहीं हो सकते एस्टाइल कोलिन दिया नहीं जा सकता तो क्या देना पड़ेगा हमें एंटी एस्ट्रेज देना पड़ेगा और उसी को चुप करा के एस्टलोलिन के लेवल को बढ़ा के काम चलाना पड़ेगा रिमिशन रखना पड़ेगा सिम्टम को दबा के रखना पड़ेगा बीमारी क्योर नहीं होती है याद रखना बीमारी क्योर नहीं होती है ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इस बीमारी में क्लियर है हा याद रह जाएगा बहुत बढ़िया आगे चले बढ़िया नेक्स्ट देखिएगा एक मरीज ग्रेविस का कंटिन्यू टू बिकम वीकर डेस्पाइट ट्रीटमेंट अरे ससुरा इलाज भी ले रहा है लेकिन उसमें लगातार वीकनेस आ रही है

खाने के बावजूद भी कमजोर हो रहा है तो इड्रोफोनियम कराओ क्यों रूल आउट कॉलिनर्जी क्राइसिस प्रमोट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ओवरकम न्यूस्टिकमिन रेजिस्टेंस कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ माइस्तेनिया चार ऑप्शन लिखे मरीज जो है दवाई खा रहा है फिर भी उसमें वीक वीकनेस हो रही है मसल में तो उसको हमने बोला इसको इड्रोफोनियम देड्रोफोनियम दो क्यों दे रहे हैं ये भी एंटीकोलिना स्टेज है और ये भी एंटीकोलिनेस्टेज है इसको भी हम क्या बोलते हैं एंटीकोलिनेस्टेज और ये दवाई भी तो एंटीकोलिनेस्टेज है तो एक एंटीकोलिनेस्टेज पहले से चल रही है फिर भी मरीज में वीकनेस है तो दूसरी एंटीकोलिनेस्टेज दी जा रही है पहला ऑप्शन लिखा है ये पता करने के लिए कि उसको कोलिनर्जी ज्यादा तो नहीं हो गया है अरे मेरे लाले एक एंटीकोलिनेस्टेज चल रही है जिससे एस्टेल कोलिन बढ़ेगा और बढ़ेगा तो और देंगे तो और बढ़ेगा और आप यह पता करना चाहते हो कि उसमें बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ कैसे पहला ऑप्शन कह रहा है अभी बताते हैं दूसरा करता है इफेक्ट कि भाई यह साइड कम काम कर रही है तो इसी तरह की एक और दवाई दे दो दोनों साथ में काम करेगी एस्टेल कोलिन का लेवल बढ़ेगा तो मसल में ताकत आ जाएगी ऐसा दूसरा ऑप्शन कह रहा है तीसरा

कि उन्होंने ए लिखा तो क्यों है ए रेस्ट ले लिखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिएगा देखिएगा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है अब याद रखो मरीज को यहां पे माइस्त ग्रेविस का मरीज है पहली बात तो मरीज ऑलरेडी माइस्तिया ग्रेविस का है मतलब डायग्नोस हो चुका है तो डायग्नोसिस को क्या कंफर्म करना है कि माइस्या ग्रेविस से तो बोल टेस्ट करो अभी देखते हैं कि नहीं अरे मेरे को है, फिर कराओ तीन महीने बाद में फिर अरे बार बार मत करो भाई मेरे को बीमारी डायग्नोस हो चुकी है तो डायग्नोसिस तो एक बार हो चुका है तो अभी इसको करने का पर्पज डायग्नोसिस नहीं है जब मरीज सिर्फ यही लेके आता है कि मसल में वीकनेस है पता नहीं मेरे को क्या बीमारी है तब तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है तो अभी डायग्नोसिस मत करो डायग्नोसिस तो हुआ हुआ है उल्टा दवाई भी खा रहा है दवाई भी खा रहा है तब ध्यान रखो माइस्ते ग्रेविज का जो मरीज होता है वो जब दवाई लेता है दवाई दवाई मेडिकेशन लेता है तो दो प्रॉब्लम होती है उसको मेडिकेशन जब वो लेता है तो उसको दो प्रॉब्लम होती है कौन सी दो प्रॉब्लम या तो दवाई ज्यादा ले ली इसको ओवर मेडिकेशन कहते हैं ओवर मेडिकेशन दवाई क्या ले ली ज्यादा इसको ओवर मेडिकेशन कहते हैं या दवाई ली नहीं उसने इसको अंडर मेडिकेशन कहते हैं दो ही बातें होगी भाई अगर आपको किसी ने दवाई दी तो या तो आप दवाई ज्यादा खा रहे हो या आप दवाई ले ही नहीं रहे हो ऐसी दो बातें होती है है कि नहीं है तो दवाई दी या तो ओवर मेडिकेशन होगा या अंडर मेडिकेशन होगा अब समझिएगा हमने दवाई दी मरीज ने दवाई ज्यादा खाई पहले मरीज को प्रॉब्लम क्या थी उसमें एसिटाइल कोलिन कम था इसी को माइस्तेनिया ग्रेविस कहते हैं हमने दवाई दी उसने दवाई खाई तो एस्टाइल कोलिन का लेवल बढ़ा दवाई उसने ज्यादा खाई लेवल बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा क्या हुआ बहुत बड़ा एस्टेलकोलिन का लेवल नॉर्मल सही है कम है तो मसल वीक होती है और ज्यादा होता है तो भी मसल वीक हो जाती है तो जब लेवल बहुत बढ़ता है तो मरीज को मसल में वीकनेस होती है मसल क्या हो जाती है वीक हो जाती है एक तो कंडीशन यह बनती है कि जो दवाई खा रहा है और उसने दवाई ज्यादा खा ली और बहुत ज्यादा खा ली तो मसल में वीकनेस आती है दूसरा उसने दवाई तो दी हमने क्योंकि उसकी मसल में वीकनेस थी एस्टेलकोलिन कम था और मसल में वीकनेस थी हमने दवाई दी उसने दवाई खाई नहीं खाई नहीं तो एस्टेलकोलिन बढ़ा ही नहीं कम ही रहा और कम रहा इसकी वजह से उसकी मसल वीक है तो ये जो मरीज हमारे पास में आया जो ये दवाई ले रहा है इसका मतलब दवाई खाई नहीं ये कहानी तो नहीं है और दूसरा ये दवाई जब ले रहा है उसके बावजूद भी इस मरीज को मसल में वीकनेस आ रही है तो हमें अब पता नहीं चल रहा है कि दवाई खा ही नहीं रहा है या दवाई ज़्यादा खा रहा है इसमें पता करना बड़ा मुश्किल हो गया तो हमने बोला छोड़ो सबको इसको टेस्ट करो क्या करो टेस्ट और इसको एक बार एस्टेलकोलिन दो िन दो मतलब इड्रोफोनियम टेस्ट करो जैसे हम टेस्ट करेंगे कोई मतलब नहीं है तो जब उसका लेवल बहुत ज्यादा था और हमने ये टेस्ट किया इड्रोफोनियम और इड्रोफोनियम दिया तो इसने और एस्टाइल कोलिन को बढ़ाया मतलब हमारे बाबा जी पहले से काले थे और उनके बबूती लगाने का काम किया तो मरीज की जो मसल वीकनेस है वो और ज्यादा वीक हो जाएगी इसको बोलते हैं वर्स्ट वीकनेस क्या बोलते हैं वर्स्ट वीकनेस बहुत ज्यादा वीक हो गई इसका मतलब मरीज में ज्यादा से और ज्यादा बाबा जी काले से और काले कालम काले हो गए इसको बोलते हैं कोल क्राइसिस क्या बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस बाबा जी के अंदर एस्टाइल कोलिन का क्राइसिस आ गया है क्या आ गया है क्राइसिस आ गया एस्टाइल कोलिन क्राइसिस में चला गया है बाबा जी काले के कालम काले हो गए हैं और ये कालम काले क्यों हो गए हैं क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ओवर ज़्यादा हो गई है और बाबा जी कालम काले हो गए हैं क्लियर है दूसरी तरफ दूसरी तरफ दवाई की कमी थी और हमने इड्रोफोनियम किया और इसमें एस्टाइल कोलिन ऐड हुआ तो ऐड होती ही वो जो वीकनेस है वो वीकनेस ठीक हो जाएगी और मरीज को स्ट्रेंथ आ जाएगी तो दवाई लेते हुए वीकनेस होने पे टेस्ट करते ही स्ट्रेंथ का आ जाना मरीज को क्राइसिस था कौन सा क्राइसिस था क्राइसिस क्राइसिस था क्राइसिस। लेकिन ये तो कब जब मरीज दवाई कम ले रहा है अंडर मेडिकेटेड है इस सवाल ने हमें बोला कि दवाई तो ले रहा है तो अंडर मेडिकेटेड नहीं है ओवर मेडिकेटेड था और ओवर मेडिकेटेड वाले में हम ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि मरीज को कोल क्राइसिस तो नहीं हुआ है या माइक्टेनिक क्राइसिस है क्या है दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोबारा टेस्ट करते हैं तो यह टेस्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर रहे थे तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा वी हैव टू रूल आउट द कोल क्राइसिस हमें यहां पे क्या रूल आउट करना है कोल क्राइसिस रूल आउट करना है याद रहेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा बहुत बढ़िया तो यहां पे करेक्ट आंसर ए बनेगा दो क्राइसिस होते हैं वैसे तो इसमें माइस्तेनिक क्राइसिस दिया हुआ नहीं है पर अगर वो दिया हुआ भी होता तो भी आपको उसी तरीके से सोचना है ओवर मेडिकेटेड हो रहा है तो कोल क्राइसिस अंडर मेडिकेटेड होता है तो माइस्तेनिक क्राइसिस यहाँ पे ओवर मेडिकेटेड हो रहा था और जब मरीज ओवर मेडिकेटेड होता है तब जवाब आपका कौन सा जाता है कोल क्राइसिस ए जवाब जाएगा और वही मरीज अगर अंडर मेडिकेटेड होता तो उसको हम क्या जवाब देते क्या जवाब देते माइस्तेनिक क्राइसिस अगला क्वेश्चन नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट हुआ ग्रेविस एक एडल्ट है बीमारी है उसको माइस्तेनियाविस एंड इज प्रस्क्राइब न्यूस्टिगमिन यह दवाई चल रही है उसको याद रखना डायग्नोसिस के लिए तो काम में लेते हैं टेंसिलोन और लगातार इलाज के लिए दवाई काम में लेते हैं न्योस्टिगमिन दोनों ही एंटीकोलिन विच ड्रग सु नर्स प्लान टू हैव रेडिली अवेलेबल बिकॉज द क्लाइंट इज टेकिंग न्योस्टिगमिन जब मरीज न्योस्टिक में ले रहा है तो मरीज में कौन सी चीज रेडीली अवेलेबल रखेंगे अब याद रखो अभी मैंने बताया कि जब वो दवाई खा रहा है तो दवाई खा रहा है तो दवाई ज़्यादा होने की रिस्क है इसको बोलते हैं ओवर मेडिकेशन ओवर मेडिकेशन दवाई क्या करती है दवाई एस्टलकोलिन के लेवल को बढ़ाती है और अगर मरीज ओवर मेडिकेटेड हो जाएगा तो एस्ट्रेलकोलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा सिर्फ लेवल बढ़ता है तब तो मरीज में स्ट्रेंथ आती है ताकत आती है सिर्फ ज्ञान है तब तो एग्जाम में सफलता मिलती है सिर्फ होशियार है तब तो जिंदगी सफल होती है लेकिन जो डेड होशियार हो जाते हैं वो असफलता के शिकार होते हैं डेड होशियार बहुत सारे लोग बनते हैं ना अपनी लाइफ में उनको लगता है कि जो है वो हम ही हैं कई सारे बच्चे भी है हमारे है ना आप तो बहुत सिंसियर बच्चे हैं लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे आते हैं और पता सबको चलता है क्योंकि ऊपर वाला तो सब जानता है लेकिन वो थोड़े डैड होशियार है तो उसे टीचर का या क्लास का या बाकी बच्चों पे फर्क नहीं पड़ता है उन्हीं की जिंदगी में फर्क पड़ता है उनकी डैड होशियारी दिखती है हमें लगातार और सबको दिखती है पूरी दुनिया को दिखती है लेकिन उस डेड होशियारी का रिजल्ट कहा आएगा डैड होशियारी का रिजल्ट आएगा उनके जब एग्जाम होंगे तब तब उन्हें पता चलेगा कि वो जो डैड होशियारी करते हैं ना वो मामला यहाँ गड़बड़ा गया है क्योंकि कर्म फल भोगने पड़ते हैं वो एक मालिक था उसने अपने कर्मचारी पे खूब चिल्लाया डैड होशियार था खूब चिल्लाया काम नहीं करते हो ऐसे वैसे फलान ढिमकान ऐसे खूब चिल्लाया तो कर्मचारी बेचारा घर चलाना था गलती नहीं थी फिर भी सुन रहा था क्योंकि मालिक के सामने बोला तो नौकरी से निकाल देगा तो चुपचाप सुन रहा था सुन रहा था सुन रहा था मालिक चिल्लाए जा रहा था बिना काम के उसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी चिल्लाए जा रहा था क्योंकि डैड होशियार था मालिक और गलत कर्म कर रहा था क्योंकि अपने कर्मचारी पे फालतू में उसको बेचारे को डांट रहा था कर्मचारी वहां से निकला और गुस्से में था बिल्कुल मालिक को तो जवाब नहीं दे पाया घर पहुंचा दो बच्चे थे एक छोटा और एक बड़ा बड़ा पिताजी पिता 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 का मूड तो बॉस को देने का था फाइव स्टार लेकिन बच्चे ने मांग ली तो पिताजी ने फाइव स्टार एक इस गाल पे और दूसरी फाइव स्टार इस दी मांगी एक ही थी दो दे दी बड़े वाले बच्चे को बच्चा जो है वो भी तिलमिला गया क्योंकि उसने तो टॉपी मांगी पिताजी का काम था रोज लाते थे इसलिए मांगी और ये क्या रिजल्ट आया उसको समझ ही नहीं आई बात वो अंदर की तरफ भागा और अंदर उसका बड़े वाले का छोटा बा... छोटा भा... भाई उसको टॉपी ट्रांसफर करनी थी तो छोटे वाले के पास में जाके फाइव स्टार उधर छाप दी उसने एक इधर और एक उधर अब छोटा वाला घर में सबसे छोटा था वो किसको फाइव स्टार देता वो वहां से भागा और बाहर गया तो एक कुत्ता बैठा था सड़क पे किसी को नहीं तो उसी को सही उसने कुत्ते को जोर से लात मारी अब कुत्ता उनके घर के आगे बैठा रहता था तो उसको तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए और कुत्ते को भी गुस्सा आ गया जैसे ही उसने लात खाई कुत्ता वहां से भागा तो एक आदमी जा रहा था सड़क पे उसको काट लिया और वो आदमी वही मालिक था जिसने सुबह उसके साथ में गड़बड़ की कर्म फल भोगना पड़ता है याद रखना मेरे दोस्त जिंदगी में जो कर्म करोगे आपको लगेगा कि हमें किसी को क्या पता चलता है सब पता चलता है उसको कलम लेके बैठा है और कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं यहां और यहीं भोगने पड़ेंगे किस रूप में भोगने पड़ेंगे तो तो हो कैसी होगी ओवर तो मरीज को क्या हो जाती है वीकनेस अब हमें पता नहीं चल रहा था कि माइस्ते क्राइसिस है कि कोल क्राइसिस है हमें समझ भी नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया हमने क्या किया हमने इस मरीज को क्या किया हमने इस मरीज को एक चीज दिया कौन सी चीज हमने मरीज को एक चीज दिया कौन सा चीज दिया हमने यहां पे मरीज को एक टेस्ट किया इड्रोफोनियम इड्रोफोनियम क्या करता है इड्रोफोनियम इस मरीज में इस कोलिन को और बढ़ाता है मैंने बोला बाबा जी काले थे बबूती लगाता है तो और ज्यादा एस्ट्रलकोलिन बढ़ा जब और ज्यादा एस्टलकोलिन बढ़ा तो एस्टेल कोलिन के बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में इस कोलिन के बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में इस मरीज के अंदर वीकनेस जो है वो वीकनेस वर्स्ट हो जाती है मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें कोलिन बहुत ज्यादा इसकी बाढ़ आ गई इसको बोलते हैं कोल क्राइसिस क्या बोलते हैं कोलिनर्जी क्राइसिस अरे एस्टेलकोलिन का इफेक्ट होता है कोलिनर्जिक और कोलिनर्जी की क्राइसिस हो गया बाढ़ आ गई इतने इतने एस्टलकोलिन हो गए इतने ज्यादा एस्टलकोलिन हो गए हमने बोला एस्टलकोलिन रुको एस्टलकोलिन रुको ये हमारे पास में हिम्मत नहीं है उसको रुको बोलने की उसको हिम्मत किसके पास में हिम्मत उसको रोकने की एड्री दवाई के पास में कोलिनर्जी का उल्टा है एड्री दिन को सिर्फ रात रोक सकती है और रात को सिर्फ सवेरा भगा सकता है हमारी जिंदगी में दो बातें होती है कभी दिन होता है कभी रात होती है कभी धूप होती है कभी छांव होती है तो जब रात आती है तो उसको कौन भगा सकता है सूर्य है, दिन और अगर जब दिन चलता है तो उसको कौन अस्त कर सकती है रात उसी तरीके से कोल को अस्त कौन कर सकती है एड्रीनर्जिक और एड्रीनर्जिक दवाई कौन सी है एट्रोपिन सल्फेट एट्रोपिन सल्फेट एक एड्रीनर्जिक दवाई है एट्रोपिन सल्फेट एक एड्रीनर्जिक दवाई है और इसको हम एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं कोलिनर्जी क्राइसिस में तो जिस भी मरीज का एड्रोफोनियम टेस्ट करने जाओ पास में एट्रोपिन रखो क्यों क्योंकि आप नहीं जानते कि उस मरीज में कोलिनर्जी क्राइसिस है या माइस्तेनिक क्राइसिस है तो अगर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी तो तुरंत क्या देना पड़ेगा एट्रोपिन देना पड़ेगा नहीं तो भाई साहब निपट जाएंगे वहीं पे पर एट्रोपिन देते ही बच जाएंगे उल्टा इफेक्ट होता है याद रह जाएगा बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखिएगा एक एडल्ट जिसको माइस्ते ग्रेविस है डिस्चार्ज कर रहे हैं हम न्योस्टिगमिन दवाई उसको प्रस्क्राइब की हुई है कौन सी दवाई न्यूस्टिक में वाट शुड द नर्स इंक्लूड वेन टीचिंग द क्लाइंट अबाउट दिस ड्रग टेल द क्लाइंट टू टेक द ड्रग ये जो न्यूस्टिकमी दवाई है इसको कब लेनी होती है डाइट्री इंस्ट्रक्शन है कि दवाई को कब लेना है ऐसा मरीज को समझाना है तो क्या बताएंगे आप कब लेना है दवाई पहला लिखा हुआ है वन हाफ ओवर बिफोर मील बिटवीन मील इमीडिएटली फॉलोइंग मील अपॉन हेराइजिंग एंड एट बैड टाइम इस दवाई को कब लेना न्योस्ट्रिकमिन को ये सवाल ने पूछा है मास्टर ने ग्रेविस का मरीज है न्योस्ट्रिकमिन दवाई के साथ में आप डिस्चार्ज कर रहे हो मरीज ने आपसे पूछ लिया कि चलिए बता दीजिए ऑफिसर साहब ये दवाई मैं कब खाऊं तो आपका इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा उस मरीज को दवाई कब खानी होती है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैंने एक बात कही है लाले पहले ही कि कट कॉपी पेस्ट मत करो अपना जवाब लिखो मजा आएगा अपना जवाब लिखो मजा आएगा किसी ने बी लिखा है तो बी मत लिखो बी गलत है लो गलत कर देता हूं अब लिख दो अपना लिखो मजा आएगा एक बार बी किसी ने लिखा बी बी अरे रुको भाई सोचो अपना दिमाग लगाओ कम से कम अपना जवाब तो दो एक बार तो अपना दो क्या कॉपी करना हर बार किसी का है? वो किसी ने बाल लंबे किए तो लंबे कर दिए अच्छे किए तो अच्छे कर दिए ऐसे किए तो ऐसे अरे मत करो अपना बनाओ कुछ ना कुछ यस और नो भाई किसी किसी के बाल ऐसे है तो ऐसे कर दो ऐसे है तो ऐसे कर दो किसी की कॉलर नीचे है तो नीचे कर दो ऊपर है तो ऊपर कर दो क्या है ये क्या है ये हमें अपना कुछ बनाना है ना तो अपना जवाब लिखना अगर जब तक आपने खुद का जवाब नहीं लिखा ना मामला ही नहीं बनेगा जब तक हम खुद का जवाब नहीं लिखेंगे एग्जाम में कैसे क्योंकि एग्जाम तो मुझे खुद को देना ना मैं क्यों पढ़ रहा हूं एग्जाम देने के लिए ना तो खुद को देना है तो अपना जवाब लिखना शुरू करो सभी लोग जवाब लिखो चार ऑप्शन हमने यहां लिखे थोड़ा दिमाग लगाओ हमने यहां एक लिखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है वन हाफ आवर बिफोर मील ये एक ऑप्शन है जो कह रहा है कि खाने से पहले देना है ऐसी ऐसी लिखा यहां पे बिफोर मील क्लियर है दूसरा बिटवीन मील बिटवीन मील मतलब खाने के बीच में मतलब खाना खाया और दवाई दिया इसको बिटवीन मील कहते हैं एक ऑप्शन लिखा है एक ऑप्शन लिखा है इमीडिएट फॉलोइंग मील तो ये भी खाने के बाद ही है लगभग बीच में मतलब खाने के बाद है ये भी खाने के बाद ही है और एक ऑप्शन क्या है एक ऑप्शन है अपॉन अपोनिंग एंड बैड टाइम ये भी खाने के बाद है तो यहां पे जो ये ऑप्शन है ये खाने के बाद है ये खाने के बाद है ये खाने के बाद है इस दवाई को खाने के बाद नहीं देते हैं क्योंकि अगर यह देते तो यह दे देते 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 तो, दे. तो दवाई को खाने के बाद से कांटेक्ट मत कराओ क्योंकि तीन मिलते जुलते जवाब है हम दवाई को खाने से पहले देते हैं ताकि उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो हम दवाई तो खाने से पहले यहां पे कितना ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है इसके करेक्ट आंसर क्या रहेगा ए रहेगा वन हाफ आवर बिफोर मील खाने से पहले देना है यह कहने का मतलब है बाकी सारे ऑप्शन खाने के बाद यू हैव टू गिव द मेडिकेशन एमटी स्टमक ताकि उसका मैक्सिमम हो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन जो आप सोच समझ के लिखिएगा भाई सभी लोग जवाब लिखेंगे सोच समझ के द नर्स एक्सप्लेन टू द फैमिली ऑफ ए क्लाइंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ग्रेविस मरीज में एक बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं और उस बीमारी का नाम है ग्रेविस और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको फैमिली को दैट इड्रोफोनियम इज टू स्टेबलाइज दसिसबलाइज करने के लिए इड्रोफोनियम नाम का टेस्ट हम यहाँ पे काम में लेंगे ऐसा हम फैमिली को बता रहे हैं आपका जो मरीज है उसको बीमारी है ग्रेविस ऐसा हम सस्पेक्ट कर रहे हैं और इसको डायग्नोस करने के लिए हम एक टेस्ट काम में लेंगे जिसका नाम है इड्रोफोनियम एन इंक्रीज इन विच फैक्टर विल कन्फर्म द डायग्नोसिस को कन्फर्म करने में कौन सा फैक्टर इंक्रीज होगा सिम्टम इंक्रीज होंगे कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी जब हम इस टेस्ट को करेंगे तो इंक्रीज क्या होगा मरीज की जो मरीज तो वीकनेस के साथ में आता वीकनेस में तो इस टेस्ट को करेंगे तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसको बोलते हैं सिम्टम का इंक्रीज होना क्या वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है टेस्ट को करने से अगर टेस्ट को करने से वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज्यादा तब तो हम कहेंगे क्या इंक्रीज हो गया सिम्टम इंक्रीज हो गया और अगर इस टेस्ट को करने करने, करने जाती है, जाती है। मसल में स्ट्रेंथ आ गई दो बातें यहां पे लिखी टेस्ट को करने से बहुत ज्यादा वीकनेस होती है तब तो हम कहेंगे सिम्टम इंक्रीज हो गए और अगर टेस्ट को करने से मसल में ताकत आ जाती है मसल ठीक हो जाती है तब हम कहेंगे मसल में स्ट्रेंथ आ जाती है और मरीज कौन है मास्ते ग्रेवी सस्पेक्टेड मरीज है अभी डायग्नोस नहीं हुआ है तो अभी तो डायग्नोस्टिक टेस्ट काम में ले रहे हैं और जब हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया मतलब हमने जब इड्रोफोनियम दिया तो मरीज मरीज की मसल में ताकत आती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है तुरंत जाती है काम करती है और मसल को ताकत दिलाती है तो यहाँ पे मसल जो है उसमें क्या आ जाती है स्ट्रेंथ आ जाती है ये इंक्रीज होता है सिम्टम डिक्रीज होते हैं क्योंकि ताकत आ गई तो सिम्टम कम पड़ गए ये कॉन्सियसनेस डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता है हालांकि इनका इससे रिलेशन नहीं है बहुत लंबी कहानी है लेकिन अभी आपको याद रखना है कि मसल में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बाकी कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है इस दवाई से ठीक है हाँ एक मरीज एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में डायग्नोसिस है उसका ग्रेविस चलिए बीमारी डायग्नोसिस लेके आया है बीमारी डायग्नोसिस लेके आया मास्टेना ग्रेविस्ट बीमारी है मरीज को फॉर विच कॉमन अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स असेस द क्लाइंट इस मरीज में कौन सा अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगा जवाब भाई कौन सा अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग यहां पे देखने को मिलेगा टीयरिंग ब्लरिंग डिप्लोपिया और निस्टगमस जवाब लिखे कौन सा अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग है मरीज कौन सा है माइसेनिया ग्रेविस का है कौन सा अर्ली क्लिनिकल फाइंडिंग है याद रखो इस बीमारी का टीयरिंग से कोई मतलब नहीं है इस बीमारी का टीयरिंग से कोई मतलब नहीं है और इस बीमारी का निस्टगमस निस्टग्मस को हम बोलते हैं डांसिंग आई बॉल जो सेरिबेलम में प्रॉब्लम होने पे होती है इसको हम क्या बोलते हैं डांसिंग आई बॉल और आई बॉल डांस कब करती है जब प्रॉब्लम में हो प्रॉब्लम सेरी बेलम में हो ये सैरी बेलम में प्रॉब्लम होती है तब का सिम्टम है ये इसका सिम्टम ही नहीं है ये तो गलत हो गया ब्लरिंग विजन जो है वो आई की बीमारी में होता है आई की डिजीज में होता है इसमें तो हमने बोला था मसल में वीकनेस आई बॉल की मसल वीकनेस तो डिप्लोपिया और आई की मसल वीकनेस तो टॉसिस तो यहां पे डिप्लोपिया और टॉसिस दो चीजें होती है एक तो होता है डिप्लोपिया डबल विजन और दूसरा अर्ली सिम्टम सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होता है टॉसिस इसको हमने बोला है ड्रॉपिंग आईलिड तो ये और डिप्लोपिया ये दो अर्ली सिम्टम में आते हैं बाकी सारे जो सिम्टम है वो अर्ली सिम्टम नहीं रहेंगे इस बीमारी में या इन सिम्टम का संबंध इस बीमारी से नहीं है जिसका नाम ग्रेविस है याद आ जाएगा डिप्लोपिया और टॉसिस इज द अर्ली सिम्टम आगे चले बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सोच समझ के जवाब लिखना सिम्टम ऑफ ए सीजर सॉरी वैन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद माइस्तेना ग्रेविस हु इज रिसीविंग एंटीकोलिन याद रखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि माइस्ते ग्रेविस का मरीज है और इसको यह दवाई चल रही है एंटीकोलिन और नाम है इस दवाई का नियोस्टिगमिन क्या नाम है नियोस्टिगमिन यह इस दवाई का नाम है द नर्स मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग कोलिनर्जी cool क्राइसिस आप कोलिनर्जी cool क्राइसिस को माइस्तेनिक क्राइसिस से डिफ्रेंसिएट करना चाहते हो जब यह दवाई चलती है तो मरीज को ओवर मेडिकेशन या अंडर मेडिकेशन हो सकता है क्लियर है तो यहां पे आपको बताना है कि जब हम ओवर मेडिकेशन या अंडर मेडिकेशन की बात करते हैं तो इन दोनों में दो होता है कॉल क्राइसिस ओवर मेडिकेशन है और माइस्तेनिक क्राइसिस अंडर मेडिकेशन है तो कौन सा सिम्टम ज नॉट प्रजेंट इन कोल इनर्जी क्राइसिस जब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मरीज को कोल इनर्जी का क्राइसिस है या मरीज को माइस्ते क्राइसिस है इनको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो कौन सा सिम्टम नहीं होता है प्रजेंट कोल इनर्जी के क्राइसिस के अंदर कोल इनर्जी क्राइसिस में इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं होगा इसका जवाब आपको देना है पहला लिखा हुआ है इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ आफ्टर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इड्रोफोनियम क्लोराइड याद रखना जब हम इड्रोफोनियम लगाएंगे तो मसल में स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी ये पहला ऑप्शन कह रहा है दूसरा है इंक्रीज वीकनेस वीकनेस बढ़ जाती है तीसरा है डाइफोरेसिस बहुत ज्यादा पसीना होता है और लास्ट है इंक्रीज सलाइवेशन बहुत ज्यादा सलाइवेशन होने लग जाता है चार ऑप्शन है सवाल ने क्या पूछा है कि कोलिनर्जी क्राइसिस का कौन सा सिम्टम नहीं होता है याद रखो कि जब भी किसी मरीज में कोल क्राइसिस होता है तो पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है क्योंकि एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक है है तो पैरासिंपैथेटिक ऐसा मैंने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपको बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक जो होता है वो पैरासिंपैथेटिक है और एड्रीनर्जिक जो है वो सिंपैथेटिक है तो यहां पे इनर्जी का क्राइसिस है इसका मतलब मरीज को पैरा स्टिमुलेशन हो रहा है और पैरा नर्वस सिस्टम जो है वो जीआई सिस्टम को तो फास्ट करता है स्पीड में करता है और बाकी सारे सिस्टम स्लो होते हैं जब जीआई सिस्टम फास्ट होगा तो मरीज में सलाइवेशन जो है वो ज्यादा होगा खूब सारा सलाइवा बनेगा मुंह में मरीज को पसीना ज्यादा होगा खूब सारा डाइफोरेसिस होगा क्योंकि वहां पे मरीज को इनर्जी क्राइसिस हो रहा है एक्सेसिव डाइफोरेसिस होता है एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और सलाइवेशन ज्यादा होता है और मरीज की वीकनेस हमने बोला बाबा जी काले थे बबूती और लगा दी वीकनेस बहुत ज्यादा होती है वीकनेस बहुत ज्यादा होती है तो यहां पे बहुत ज्यादा वीकनेस होती है जब हम टेस्ट वाली दवाई लगाते हैं इस दवाई को इड्रोफोनियम कहते हैं मसल की स्ट्रेंथ को लगाने के लिए जब हम आईवी ड्रग देते हैं इड्रोफोनियम तो मरीज की वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है तो यहां पे मरीज में कभी भी स्ट्रेंथ नहीं आती है तो यह सिम्टम जो है वो कोलिनर्जी क्राइसिस का नहीं है कोलिनर्जी क्राइसिस वाले मरीज को इड्रोफोनियम देने पे कभी भी मसल में स्ट्रेंथ नहीं आती है अगर मरीज को इड्रोफोनियम देने से मसल में स्ट्रेंथ आ जाती है तो उस मरीज को माइस्थेनिक क्राइसिस है अगर इड्रोफोनियम देने से मसल में स्ट्रेंथ आ जाती है तो उसको माइस्तेनिक क्राइसिस है और इड्रोफोनियम देने से मसल में स्ट्रेंथ नहीं आती है तो उसको कोल क्राइसिस है कल क्राइसिस में स्ट्रेंथ नहीं आएगी और स्ट्रेंथ आ रही है तो ये क्राइसिस का साइन है सो दिस इज साइन ऑफ क्राइसिस नॉट द साइन ऑफ कोल क्राइसिस क्राइसिस करेक्ट आंसर ए बनेगा बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है याद रह जाएगा आगे चले नेक्स्ट देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट विद माइस्ते अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ माइस्टेनिक एंड कोलिक क्राइसिस ना हो क्राइसिस ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको बताना है द नर्स टेल द क्लाइंट दैट दिस इज मोस्ट इफेक्टिव डन बाय कैसे करेंगे हम मतलब एक मरीज है जो जिसको टीचिंग दे रहे हैं माइस्तेन ग्रेविस वाले को कि अगर तुम्हें माइस्तेनिक और कोल क्राइसिस से बचना है मेडिकेशन के अंडर और ओवर होने से बचना है तो क्या तरीका काम में लेंगे तो दवाई कम या ज्यादा नहीं होगी और सही होगी उसका तरीका क्या है पहला ईटिंग लार्ज वेल बैलेंस मील डूइंग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डूइंग ऑल चोरस अर्ली इन द डे वाइल लेस फटिंग और टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम टू मेंटेन थेराप्यूटिक ब्लड लेवल सवाल ने बोला कि जो माइस्टेना ग्रेविस का मरीज है उसमें कोलिनर्जी क्राइसिस और क्राइसिस ना हो उससे मरीज बच जाए उसके लिए मरीज की मदद कैसे करेंगे आप तो याद रखें ये दोनों कॉम्प्लिकेशन दवाई के कम और ज्यादा होने से होते हैं तो आपको उसी पॉइंट को पकड़ना है और मरीज को यह समझाना है कि तुम्हें रोजाना दवाई जो है वो समय पे लेना है रोजाना दवाई क्या करना है समय पे लेना है अगर तुम समय पे दवाई को लेते रहोगे तो दवाई का लेवल कम और ज्यादा नहीं होगा और जब दवाई का लेवल कम और ज्यादा नहीं होगा तो दवाई कम और ज्यादा नहीं पड़ेगी और इस वजह से तुम्हारे जो है वो दवाई जो है उसका इम्बेलेंस वाले दोनों कॉम्प्लिकेशन इस बीमारी को लेके नहीं होंगे सो यू हैव टू टेक द मेडिकेशन ऑन टाइम टू मेंटेन इट्स थेराप्यूटिक लेवल अगला

Which of the following would indicate that the client is in cholinergic crisis? कौन सी चीज बताएगी इड्रोफोनियम देने के बाद में कौन सी चीज बताई कि मरीज को कोलीनर्जिक क्राइसिस हुआ है हमने इड्रोफोनियम दिया इड्रोफोनियम देने के बाद में कौन सी चीज बताएगी कि उसको कोलीनर्जिक क्राइसिस हुआ है याद रखना दोनों क्राइसिस दिमाग में फिट हो जाएंगे इस सेशन के बाद में क्योंकि इन दोनों से सवाल बनते हैं एग्जाम में तो इड्रोफोनियम देने के बाद में कौन सी चीज बता रही कि उसको क्राइसिस हुआ है? नो चेंज इन कंडीशन अगर इंड्रोपोनियम देने से कंडीशन में चेंज नहीं होता है तो तो कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं होगा कुछ तो चेंज होगा या तो मरीज में वीकनेस वर्स्ट हो जाएगी या मरीज में ससुरी ताकत आ जाएगी स्ट्रेंथ आ जाएगी कुछ तो होगा स्ट्रेंथ आएगी तो ये एम है और वर्ष वीकनेस हो जाएगी तो ये सी है समझ हो मेरी बात को तो सीसी कब है जब वर्स्ट वीकनेस है और एमसी कब है जब स्ट्रेंथ है कंप्लेन ऑफ मसल स्पाज स्पाज में नहीं होते है इंप्रूवमेंट ऑफ वीकनेस तो यह एमसी है जब स्ट्रेंथ आती है इंप्रूवमेंट होता है तो ये माइस्टेनिक क्राइसिस है कौन सा क्राइसिस है माइस्तेनिक और अगर वीकनेस वर्स्ट हो जाए टेम्प्ररी वीकनेस क्या हो जाती है वर्स्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए जब तक दवाई का असर है बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है तो ये कोल क्राइसिस है

अगर माइस्या ग्रेविस का मरीज है थ्रोट की मसल का वीकनेस है और उसको डिस्पेजिया हो रहा है स्वेलो करने में डिफिकल्टी है तो मरीज कौन सी चीज की रिस्क पे है डिस्पेजिया वाला मरीज कौन सी चीज की रिस्क पे है यह आपको जवाब लिखना है पहला एस्पिरेशन डिहाइड्रेशन न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस या इम्पेर्ड कम्युनिकेशन तो याद रखना डिस्पेजिया इज द डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग कम्युनिकेशन से मतलब नहीं है स्वेलो नहीं कर पा रहा है तो न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस या डिहाइड्रेशन तो बहुत बाद में होगा अभी तो भाई साहब को ये हो जाएगा और ये निपटा भी देगा अभी तो उसको एस्पिरेशन की रिस्क है और एस्पिरेशन हो गया तो निपट भी जाएगा तो आपको रिस्क ऑफ एस्पिरेशन का ध्यान रखना है यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला यहां पे है जब हॉस्पिटलाइज क्लाइंट है जो रिसीव कर रहा है पायरीडोस्टिकमिन ये दवाई रिसीव कर रहा है और याद रखना न्योस्टिकमिन के बाद में ये अगली दवाई है जो एंटीकोलिनेस्टेज का, का काम करती है और लॉन्ग एक्टिंग काम करती है इसका नाम है पायरिडोस्टिकमिन और यह मास्ट्रेन ग्रेविस में दी जाती है इन द मिडल ऑफ द नाइट रात के बीच में द नर्स वीक एंड एबल टू मूव रात के समय मरीज जो है एकदम ज्यादा वीक हो गया और हिल ही नहीं पा रहा है ऐसी समस्या हो गई उसको कौन सा एडिशनल क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट करती है कि मरीज को यह सारा का सारा पायरिडोस्टिगमिन की वजह से हुआ है रात को मरीज गोली खा के सोया और उसकी वीकनेस बहुत बढ़ गई मतलब उसको हो गया कोल का क्राइसिस क्या हो गया कोल का क्राइसिस हो गया दवाई की अधिकता हो गई अधिकता के और क्या साइन होंगे एक तो वीकनेस तो हो ही गई है इसके अलावा और कौन कौन से साइन होंगे पहला लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दूसरा है डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर तीसरा है डिक्रीज ब्लड प्रेशर चौथा है फाइन ट्रेमर ऑफ दी फिंगर और पांचवा है हाई पिच गागलिंग बोबल साउंड याद रखिएगा जब कोलिनर्जी क्राइसिस होता है तो जीआई सिस्टम फास्ट होता है ऐसा मैंने बताया बाकी सब चीजें कम होती है ऐसा मैंने बताया जो दिमाग है वो सो जाता है मरीज को नींद आती है मरीज थोड़ा स्लीपी हो जाता है तो यहां पे देखो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा एक तो उसको ये तो हो गई होगा ही होगा क्योंकि उसका दिमाग सो गया है दूसरा डिस्टेंडेड नहीं होगा ब्लाडर क्योंकि यहां पर मरीज को बार बार यूरिन लगेगा यह स्पीड में हो जाता है मरीज का ब्लड प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा यह बात अगली इंपॉर्टेंट है हाइपोटेंशन होता हो 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 यह तो गलत हो गया मरीज में बोवल साउंड जो है वो गार्गलिंग वाले होंगे बिल्कुल होंगे जीआई सिस्टम फास्ट हो जाता है तो मरीज को एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा एक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और एक हाई पिच के गार्गलिंग गारोवल साउंड होंगे तो ए सी और ई e, मतलब इस मरीज में जब कोलिनर्जी क्राइसिस होगा तो इसको और समस्या कौन कौन सी होगी तो अलावा तीन समस्या कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन डिक्रीज ब्लड प्रेशर और हाई पिच गार्गलिंग बोवल साउंड ट्रेमर्स यहां पे नहीं होता है और ब्लड का डिस्टेंस नहीं होता है बार बार इसको डायरिया होगा

नर्स इज caring for a person admitted with myasthenia gravis, what should be included in the nursing care plan for this person? मरीज एडमिट हुआ है साथ में आप उसको इंक्लूड करेंगे इस मरीज के अंदर माइस्टेनिया ग्रेविस वाले मरीज में नर्सिंग केयर प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूरी बीमारी समझ चुके हो बीमारी क्या होती है बीमारी के कारण क्या है क्लिनिकल साइन क्या है कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या दवाई है इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है सभी बातें हमने पढ़ी अब नर्सिंग डायग्नोसिस बता दो और कि हमने इस कंसेप्ट को लेके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे और उन दो क्वेश्चन को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब देने में समस्या ही नहीं होगी और वो दो क्वेश्चन क्या थे वो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनसे अल्टीमेटली सवाल पे जब हम पहुंचते हैं तो जवाब बनता है कि हम उसको डिस्फेजिया के लिए असेस करेंगे और हर बार फीडिंग से पहले स्वेलोइंग रिप्लेक्स को असेस करेंगे क्योंकि अगर स्वेलोइंग रिप्लेक्स है तो मरीज जो है उसको फीडिंग देंगे और स्वेलो करने में उसको प्रॉब्लम है एस्पिरेशन की रिस्क है तो उसको ये फीडिंग नहीं देंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा ए बी ओ डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है विच रेफरल इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट इन लेट स्टेज ऑफ माइस्टेना ग्रेविस माइस्टेना ग्रेविस वाला मरीज है बहुत समय से बीमारी है बहुत समय से बीमारी है और लेट स्टेज में है मरीज बहुत ज्यादा तो कौन सा थेरेपिस्ट जो है कौन सा रेफरल इसको बनाएंगे अप्रोप्रिएट रेफरल क्या है कौन इसकी मदद करेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा पहला है कंट्रोल नर्स को रेफर करेंगे भाई इसको ठीक करो दूसरा लिखा हुआ है ओक्यूपेशनल हेल्थ नर्स को रेफर करेंगे अगला है वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर के पास में भेजेंगे और लास्ट है स्पीच के पास में भेजेंगे ने ग्रेविस जब बहुत ज्यादा वर्ष होता है हमने बोला दस तक गिनती बोलो तो दस नौ आठ सात दस तक गिनती बोलो आवाज ही नहीं निकल रही है क्योंकि लेट स्टेज में मरीज को डिस्पेसिया हो जाता है डिफिकल्टी इन स्पीच इतनी मसल वीक है कि उससे बोला ही नहीं जा रहा है इतनी मसल वीकनेस हो गई ये लेट स्टेज में होता है मास्तेना ग्रेविस के शुरुआत में नहीं हुआ लेट हुआ लेटर ऑन हुआ इतनी मसल वीकनेस क्यों हो गई क्योंकि इस बीमारी ने प्रोग्रेस किया बीमारी ने लगातार प्रोग्रेस किया तो इसकी सबसे ज्यादा मदद करेगा स्पीच थेरापिस्ट कौन मदद करेगा स्पीच थेरापिस्ट जो है वो लेट स्टेज में मदद करता है माइस्ते ग्रेविस के तो लेट स्टेज में मददगार बनेंगे स्पीच थेरापिस्ट द क्लाइंट हुई सफरिंग फ्रॉम माइस्तेनिया ग्रेविस तो याद रखना माइस्तेनिया ग्रेविस क्या है माइस्ते ग्रेविस मसल के वीकनेस की बीमारी है तो मसल की स्ट्रेंथ के लिए बोलने में मदद करने में कौन मदद करेंगे स्पीच थेरेपिस्ट और ये कब मदद करेंगे जब बीमारी अपने लेट स्टेज में होगी तब ये मदद करेंगे तो माइस्तेनिया ग्रेविस एक न्यूरो ट्रांसमीटर की डेपिशंसी वाली बीमारी है जिस न्यूरो ट्रांसमीटर की कमी होती है उसका नाम है एस्टाइलकोलिन और जब एस्टाइलकोलिन कम होता है तो मसल में होती है वीकनेस मसल में वीकनेस होती है तो मरीज को टॉसिस होता है और मरीज को डिस्फेजिया होता है और मरीज को डिप्लोपिया होता है इस बीमारी में डायग्नोस करने के लिए इड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं और बीमारी जो है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीकोलिनस्ट्रेज एजेंट देते हैं बीमारी के दो कॉम्प्लिकेशन है ओवर मेडिकेशन से कोलिनर्जी क्राइसिस होता है अंडर मेडिकेशन से मास्तेनी क्राइसिस होता है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी टेस्ट इड्रोफोनियम ही करते हैं और बीमारी जो होती है इस बीमारी में जब ये टेस्ट करते हैं तो है। और दवाई कॉम्प्लिकेशन है, है बीमारी प्रोग्रेसिव है और बीमारी के अंदर याद रखना रिमिशन होता है और रिलैक्सिंग होता है अनक्यूरेबल बीमारी है लाइफ लॉन्ग चलती है दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविस आई होप आज का सेशन आपके लिए मददगार रहा आपने खूब सारी अच्छी चीजों को पढ़ा सीखा और समझा और इसी तरह की अच्छी चीजों को पढ़ने सीखने और समझने के लिए लगातार जुड़े रहिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म से याद रखना किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सोगंध महादेव की हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए संकल्प सिर्फ एक है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो आज की शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सेशन को देते हैं यहीं पे विराम अपना महत्वपूर्ण सुझाव वीडियो के लास्ट में जरूर दें ताकि हम समझ पाए कि आपको कितना समझ में आया है हम मिलेंगे कल शाम को ठीक साढ़े चार बजे एक और न्यूरो की डेफिशेंसी वाली बीमारी को लेके बीमारी रहेगी पार्किस डिजीज क्या होती है कैसे होती है एक एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में पूरी बीमारी को निचोड़ के रखेंगे बस आप इसी तरीके से इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे लगातार अपना प्यार बनाए रखें और आनंद उठाए रहें क्योंकि लक्ष्य जो है वो बड़ा है तो क्या हुआ हमारा संकल्प हमारा हौसला उससे भी कई गुना बड़ा है और जब तक उस लक्ष्य की खोपड़ी में छेद नहीं हो जाता तब तक हम रुकने वालों में से तो नहीं है तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय महाकाल